भाई गुड मॉर्निंग राम राम सही बच्चों को तो भाई आई होप आप सब अच्छे हो और तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट एग्जाम की जो भी आपका जी है या अदर एग्जाम सी SSC के तो आज हम अपना चैप्टर आए हैं कॉर्डिनेट ज्योमेक्ट्री तो उस कॉर्डिनेट ज्योमेक्ट्री की भाई किसी एग्जाम में नहीं भी आता है और किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं दो भी आते हैं तीन भी आते हैं और एक भी नहीं आता है तो आपने करके चलना है कि हाँ भैया टीचिंग एग्जाम में आपको जैसे देखोगे बीपीएससी लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पांच पांच छह छह क्वेश्चन आ रखे थे चालीस में से पाँच छह जैसे जिन्होंने साइंस मैथ दिया या मैथ का एग्जाम दिया था तो उन्हें पता कॉर्डिनेट जीमैक्ट्री पांच से छह मार्क्स और नाइन टेंथ के एग्जाम में नौ से दस क्वेश्चन कॉर्डिनेट जिमेक्ट्री के रहते हैं तो कॉर्डिनेट जीमैक्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको देखते हैं भाई एक बार सारे बच्चे बता दीजिए भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है वे भाई सारे बच्चे फिर स्टार्ट करते हैं चलिए भाई देखते हैं सबसे पहले कॉर्डिनेट जिमैक्ट्री जयमती कोऑर्डिनेट जिमैक्ट्री जयमती निर्देशांक तो भाई सबसे पहले तो हम सीखते हैं टिक्नोमैट्रिक जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने पता होगा जैसे हम स्कूल में ग्राफ बनाते थे तो मिड क्या होता था हमारा जीरो जीरो और ये वैल्यू होती थी एक्स एक्सिस ऊपर वाली होती थी वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ये जीरो डिग्री नाइनटी डिग्री वन एटी डिग्री टू सेवनटी थ्री सिक्सटी एंगल और ये हमारा होता है जैसे माइनस एक्स एक्सिस यानी जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस एक्सिस रहेगा जैसे यहाँ पे माइनस वन माइनस टू इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे वन टू थ्री ये पॉजिटिव वैल्यू जाएगी यानी जीरो पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव ऊपर की बात करें वाई की वैल्यू वन टू पॉजिटिव रहेगी थ्री फोर और नीचे अगर वाई एक्स इधर होता है माइनस वाई एक्सिस इसकी बात करें तो नीचे वैल्यू किसमें रहेगी माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो इस ये आपने बिल्कुल पता चल गया बिल्कुल बेसिक फंडा कि हाँ ग्राफ बनाते हैं हमारी तो इधर एक्स एक्सिस रहेगी पॉजिटिव वैल्यू उधर नेगेटिव रहेगी वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव यानी ये जो यहां पे जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की दोनों पॉजिटिव आएंगी यहां पे जो वैल्यू आएगी पहले आती है एक्स वाली वैल्यू बाद में आती है वाई वाली तो एक्स कैसा है माइनस में वाई कैसा है पॉजिटिव इसकी बात करें तो यहां पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव इसकी बात करें तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव रहेगा वाई किस में रहेगा नेगेटिव तो ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं दो तो, जैसे कोई भी वैल्यू हम यहां लिखते हैं जैसे फोर और थ्री जैसे फोर और थ्री यहां मैंने पॉइंट ले लिया फोर एक्स की वैल्यू क्या है थ्री एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री वाई की कितनी है फोर तो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है ना जैसे ये जो पॉइंट मिल रहा होगा मुझे x की वैल्यू तो तीन आ गई और y की कितनी आ गई चार तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं पहली वाली वैल्यू x होती है दूसरी वाली y और इसे हम कहते हैं एप्सिसा एक्सेस एक्सेस को क्या कहेंगे एप्सिसा और वाई वाली को ऑर्डिनेट हिंदी में कहते हैं को बुझ और इसे कहते हैं कोटी ये आपने ध्यान रखना कई बार एक बार एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के तो पहली वाली वाली को भुज दूसरी वाली को कोटी एफसी और ऑर्डिनेट ये आपने ध्यान रखना इसमें कोई डाउट तो आपने ग्राफ बनाना आ गया है एफसीसा और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अगर वो चार और पांच देगा कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सीसा एंड ऑर्डिनेट तो एफ की चार होगी वाई की ऑर्डिनेट की कितनी होगी पांच भुजोर और कोटी क्लियर भाई बढ़ा जाएगा देखने भैया पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में जब वैल्यू पूछता है ना आपसे कहेगा पोलर कोऑर्डिनेट बताइए तो पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा आएगी आपकी आर थीटा कोमा आर साइन थीटा <coughs> ये आपकी वैल्यू रहेगी अब जैसे ग्राफ बनाया मैंने एक्स की वैल्यू दे, दे देगा वाई की दे, दे देगा आर हमें निकालना होगा जैसे सपोज कीजिए वन टू थ्री फोर नंबरिंग देता हूँ वन टू थ्री फोर और वाई एक्सिस वन टू थ्री और ये फोर ठीक अब मैंने एक पॉइंट ले लिया फोर और थ्री यहाँ फोर एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू थ्री तो जो ओरिजिन से हम बनाते हैं ना आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे ठीक है फिर ध्यान से आर की वैल्यू जब निकालने की बात होगी तो इसे हमने ऐसे मिला ये कितनी होगी तीन। आप देखिए इसकी हाइट कितनी होगी हाइट होगी तीन और अगर बेस की बात करें इस बेस की ये कितना होगा यहां से तक ये हो गया चार ये तीन हो गई यहां से यहां तक और ये चार होगी ये जो वैल्यू आएगी आर आएगी ये आएगी कितनी आर तो आर की वैल्यू जब आप निकालोगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा भी आपको कुछ दिया होगा थर्टी या सिक्सटी थीटा क्या देगा वो थीटा गिवन दे देगा थर्टी डिग्री तो पूछेगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे पोलर कोऑर्डिनेट थीटा नहीं गिवन होगा तो थीटा निकालने को देगा जैसे एक एग्जांपल हो लेंगे तो अभी इसमें पोलर कोऑर्डिनेट कौन से कैसे होंगे हमारे अभी मैंने बताया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो भाई थीटा है थर्टी डिग्री और आर की वैल्यू है पांच तो पांच कॉस थर्टी इस तरीके से देगा और पांच साइन थर्टी ये हमारे हो जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर थीटा कई बार निकालना पड़ेगा वो वैल्यू ऐसी देगा जहाँ थीटा आप निकाल पाओ देखिए मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल हो जैसे उसने कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए कोऑर्डिनेट दे दिए उसने कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ रूट थ्री कोमा वन यानी ये किस में वैल्यू होगी एक्स और वाई की एक्स और वाई की अब मुझे पता है जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरीके से बनता है अभी मैंने बनाया था पिछली फिगर में तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी एक्स और ये वैल्यू क्या होगी वाई तो मुझे पता है वाई की वैल्यू कितनी है वन एक्स की वैल्यू कितनी है रूट थ्री अब थीटा हम निकाल सकते यहां से एक बात बताइए वन बाई रूट थ्री क्या होता है टेन थीटा अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैंने पी अपॉन बी लगाया टेन थीटा क्या होता है पी पी। परपेंडिकुलर बेस तो मुझे यहां से थीटा मिल गया ऑफ कि एंगल।, तो एंगल कितना आ गया थर्टी डिग्री अब पूछा है उसने पोलर कोऑर्डिनेट पोलर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हो भाई आर थीटा

टू साइन थर्टी डिग्री ये हमारे इस तरीके से ऑप्शन देगा कहीं थर्टी दे देगा दे कहीं सिक्स दे देगा दे तो ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ गई ये पोलर कॉर्डिनेट यह होगा तो हमें हमेंट निकाल थीटा की वैल्यू साइन थर्टी थर्टी बताइ अगर आपने पढ़ा है वहां से वैल्यू आप पुट करोगे और आपके पास आ जाएगा थीटा की आ जाएगी आर की होगा और थीटा की होगा तब आप क्या निकालोगे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप देखिए वैल्यू पुट करोगे कॉस्ट थर्टी की वैल्यू क्या होगी थर्टी होता है टू थ्री बाय टू यहाँ रखोगे रूट थ्री बाय टू से टू कट गया रूट थ्री आ गया तो यहाँ पे रूट थ्री है तो आप कौण, कौण 30 की 30 की वैल्यू रखोगे तो यही आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्रॉस चेक कर लीजिए बताइए पे कोई डाउट इसमें बढ़ा जाए चले भाई नेक्स्ट देखते हैं <coughs> ये तो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे सीधा इस पे आते हैं चलो ये पॉइंट देख लेते हैं पहले देखिए भाई क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को जैसे वो कह रहा है एट पॉइंट द लाइन टू एक्स प्लस कट द एक्स एक्सिस जैसे ये ग्राफ है हमारा मैंने आपको बताया ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस भाई अगर एक्स एक्सिस पे कटेगी ना यहां कहीं कटेगी एक्स एक्सिस पे अगर कटती है अगर ये वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पर कटती है तो वाई का मान क्या होगा जीरो पांच पे कटे पे कटे कहीं भी कटे माइनस में कटे तो एक्स एक्सिस पर जब कटेगी तो वाई क्या होगा जीरो क्लियर भाई और अगर यही वैल्यू हमारी वाई एक्सिस पर कटे जैसे ये एक्सिस एक्सिस है y पर कटती है तो मुझे पता है एक्स का मान तो यहाँ जीरो है ना तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा जीरो वाई एक्सिस पर कटेगी तो एक्स जीरो होगा एक्स एक्सिस पर कटेगी तो वाई क्या होगा जीरो अब मुझे पता है एक्स एक्स को काटती है।, एक है तो वाई क्या हो जाएगा जीरो की वैल्यू जीरो है। की वैल्यू जीरो मैंने अभी बताया आपको <coughs> तो मैंने यहाँ इक्वेशन थी टू एक्स प्लस फाइव वाई टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स तो वाई की वैल्यू जीरो रखी टू एक्स प्लस फाइव इंटू में जीरो माइनस सिक्स तो जाए तो टू एक्स का मान आ गया माइनस सिक्स माइनस फाइव अरे जीरो हो गया ना यार कहां हमारी बुद्धि चल रही है मैं वही कहू कहां गड़बड़ो रही है तो जीरो की जब

तो मुझे पता है जब माइनस में है तो माइनस में देखिए दोनों ऑप्शन फिर वो सेम से दे रखे हैं सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है तो वाई तो पता चल गया लेकिन मैंने सॉल्व करके देखा वाई की वैल्यू रख दी तो आपको यहां से क्या पता चला जब एक्सिस पर काटेगा तो एक्सिस पर काटेगा तो एक्स जीरो क्लियर भाई कंसेप्ट बढ़ा जाए आगे बताइए भाई तो ये बिल्कुल बेसिक सा है आगे बढ़ते हैं देखिए अब कह रहा है वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा y अक्ष को काटने की बात कर रहा भाई जब y को काटेगा ना y एक्सिस को काटेगा तो x का मान क्या होगा आपका जीरो और इक्वेशन दे रखी है 2x एक्स माइनस थ्री वाई टू जीरो सिक्स तो सबसे पहले तो x जीरो होगा x जीरो किसमें है एक इसमें और एक इसमें तो ये दो ऑप्शन तो हो गए रिजेक्ट बताइए y अक्ष को किस बिंदु पे काटेगा तो मुझे पता है x की वैल्यू जीरो है टू इन टू में ये जीरो उधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस थ्री वाई की वैल्यू होगी तो हो तो 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 आंसर आ गया ये बताइए भाई कोई डाउट देखिए दोनों ऑप्शन सेम से टू है ये माइनस टू बस सॉल्व करके देखना पड़ेगा माइनस मारिए तो माइनस प्लस मारिए तो प्लस बताइए भाई कोई डाउट इसमें बढ़ा जाए आगे तो आपने मेन कंसेप्ट याद रखना है अगर x एक्स एक्सिस पर काटेगा तो हमारा y जीरो बनाएगा और y एक्सिस पर काटेगा तो x बनाएगा क्लियर भाई जीरोप्ट तो पोलर कोऑर्डिनेट हो हो गया एक्स 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 हो गया x एक्सिस एक्सिस y अब आते हैं रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब प्रतिबिंब यानी एक मिरर होता है मिरर इमेज बतानी होती है जैसे हमारे आगे मिरर रखा है जितनी दूरी पर रखा हो उतना ही मिरर के अंदर पीछे रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी तो इसे समझते हैं कैसे करना है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पहले ही यार टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा हम देखते हैं आप लोगों के लिए देखिए ये देखते हैं ये पहले देख लेते हैं इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझाना जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस ध्यान समझना कुछ चीजें ही रट जाएंगी आपको माइनस वाई एक्सिस क्लियर भाई अब पॉइंट कौन सा है 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 और 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 सबसे पहले तो ये होता है X और ये होता होता पर बनेगा पे ठीक माइनस का है तो जैसे सपोज कीजिए माइनस वन माइनस टू इस तरीके से ले लिया वन टू थ्री और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये बना दिया मैंने अब देखिए सबसे पहले तो पॉइंट ढूंढिए पॉइंट तो मैंने सबसे पहले पॉइंट ढूंढा देखिए भाई ये तो हो गया वाई सिक्स क्लियर और यहाँ पे बनेगा जीरो पॉइंट फाइव क्लियर अब मुझे पता है यहां पे जो पॉइंट होगा ना ये पॉइंट हमारा क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव माइनस का और कोमा सिक्स क्लियर भाई बताइए भाई कोई डाउट इसमें ये प्रतिबिंब हो गया एक्स अक्ष पर बंदा है प्रतिबिंब इमेज निकालनी है मुझे पता है जो एक्स एक्सिस एक है यहाँ पे क्या रखा जा रहा है मिरर यहाँ पे क्या रखा जा रहा है मिरर जितनी दूरी यहां पे यहां तक की है उतनी ही दूरी हमारी नीचे होगी तो इसे मैं नीचे और बढ़ा लेता हूं ये मेरा कहां तक जाएगा माइनस चार माइनस पांच माइनस छ माइनस सात ऐसे आगे जाएगा ये हमारा माइनस वाई एक्सिस है देखिए यहाँ पे कंसेप्ट जाना समझना रिफ्लेक्शन इमेज का फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आएगी आएगा तो मुझे पता है जितनी दूरी छ है उतनी ही दूरी यहां तक छ होगी ये जितनी दूरी ऊपर मिरर से है मिरर हमारा कहाँ रखा गया है ये? ये हमारा क्या है मिरर अब मुझे पता है ये जो छह डिस्टेंस है ना छह किलोमीटर यहाँ पे होगा तो ये जो पॉइंट बना अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव रहता है वाई एक्सिस भी ये मैंने आपको बताया था तो पॉइंट यही रहेंगे पॉइंट जो है हमारे जीरो पॉइंट फाइव और सिक्स रहेगा लेकिन अब ये साइन किसका रहेगा यहाँ भी माइनस का है और यहां भी तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा माइनस का जीरो पॉइंट और माइनस का सिक्स तो सबसे पहले तो माइनस यही ऑप्शन मिल रहा है हमें कौन सा डी भाई कोई डाउट इसमें तो हमने रिफ्लेक्शन इमेज का ध्यान रखना है जैसे हमारा ये मिरर है जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी यहाँ तो इसका रिफ्लेक्शन इमेज क्या बनेगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव भाई कोई डाउट इसमें एक्स एक्सिस का क्लियर हुआ कंसेप्ट तो इसलिए आसान लिया गया था आपके लिए ये वाई एक्सिस का इसे भी देख लेते हैं देखिए एक एक बताऊंगा मैं किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं और आ रखे एग्जाम में देखिए की वैल्यू दो है वाई की माइनस तीन पॉइंट पांच तो मैं फिगर बना लेता हूं पहले एक दो तो तीन चार वन टू तो थ्री फोर और नीचे भी आगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और यहाँ पे आ गए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऊपर आ गए वन टू थ्री फोर यहीं तक चलते हैं, बाकी आगे देख लेंगे जैसे जैसे कहेगा वैसे एक्सपेंड कर लेंगे ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस और यह हो गया माइनस वाई एक्सिस ये, ये, ये आपका फिगर बन गया है ठीक यहां से आपने क्या बनाया इमेज मुझे पता है जो ये पॉइंट है ना टू और तो रहेगा टू और कौन सा ऑप्शन है वैसे तो देखो यार एक ही है टू और दो मिलते हैं एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है बाकी ये दोनों तो हो गए क्लियर अब देखिए करना क्या है मिरर कहा रखा जा रहा है मिरर देखिए मिरर रखा जा रहा है वाई एक्सिस पर वाई एक्स पर वाई एक्सिस कौन सा है ये यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया ठीक अब पॉइंट देखिए कहा जा रहा है ये मिरर है आपका ये क्या है ग्रीन वाला मिरर अब पॉइंट की बात करें पॉइंट कहां जा रहा है आपका ये देखिए टू एक्स की वैल्यू टू यहां पर वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव यहां पे आएगी ठीक तो यहां पे कहीं पॉइंट बन रहा है टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव ये बन रही है भाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव यहां है तो ये पॉइंट बन के आ गए अब मिरर यहां पे है इस मिरर से ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस यहां पे होगा तो ये कितना जा रहा है यहां पे टू जा रहा है तो यहां पे टू आ गया ये ये इसका रिफ्लेक्शन इमेज हो गया अब देखिए एक्स की वैल्यू मैंने कहा वही रहेगी और वाई की भी वही रहेगी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है अब माइनस प्लस का साइन देखते हैं में आ जाएंगे दोनों गए नेगेटिव में तो देखिए फिगर बनाओगे आपको पता चल जाएगा कहाँ रखा गया भाई मिरर जहाँ रखा जाए जितनी दूरी यहाँ पे है, उतनी दूरी वहां पे बताइए कौन सा ऑप्शन है दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ये ऑप्शन हमारा क्लियर रिफ्लेक्शन इमेज एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं फिर हम देखिए भाई, इस बार रिफ्लेक्शन इमेज ना एक्स एक्सिस पर है ना थोड़ा सा अलग बनेगा फिगर इसका। थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा हमें इसके लिए तो दोबारा बना देता हूँ फिगर थोड़ा सा आप लोगों को देखिए क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर कि कैसे हमने निकाला है तो देखिए पॉइंट कौन से हैं x इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू थ्री ये वन टू और थ्री ये हमारा पॉइंट आ गया माइनस वन कोमा थ्री अब देखिए मिरर कहाँ रखा जा रहा है अब मिरर जहाँ रखा जा रहा है वहां से लेके चलते हैं मिरर किस कहाँ पे रखा जा रहा है वहाँ पे अभी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया था यहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स तो इस तरीके से जाएगा ये आगे तो मुझे पता है माइनस फोर कहाँ है यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस फोर रहना चाहिए बाकी वाई की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस फोर पे बन गया मिररर ये मिरर बना दिया अब मुझे पता है ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है जितनी दूरी यहां से यहां तक की है जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी ही इस मिरर से इधर होगी क्लियर तो ये कितनी दूरी है भाई एक दो और तीन किलोमीटर चले तो एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर यहां पे यहां पे बनेगा ये आपका माइनस सेवन तो यहाँ पे जो बनेगा ना अब ये मुझे पता है एक्स की वैल्यू क्या है यहां पे माइनस सेवन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस सेवन वाई आपका सेम रहेगा वाई आपका क्या रहेगा सेम y की वैल्यू कितनी आ गई थ्री तो माइनस सेवन कोमा थ्री माइनस सेवन कोमा थ्री देखिए मिरर अगर इधर रखा जाता तो है तीन किलोमीटर इधर है तो तीन किलोमीटर ही उधर जाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन इमेज बनाने के लिए अब हमारा वाई तो यहीं पर रहेगा ना क्योंकि इसमें आगे बढ़े हम तो वाई हमारा सेम रहेगा दोनों में तो माइनस सेवन कोमा थ्री माइनस सेवन कोमा थ्री कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन इमेज के क्वेश्चन आते हैं प्रतिबिंब एग्जाम में बढ़ा जाए भाई आगे नेक्स्ट देखते हैं ये तो हो गया x इक्वल टू माइनस फोर वाला आगे आते हैं x इक्वल टू वन है और ये पॉइंट दिया है प्रतिबिंब क्या होगा x इक्वल टू वन भाई x एक्सिस y एक्सिस x नेगेटिव में दिया था यहां पॉजिटिव में दे दिया अब देखिए पॉइंट बनाते हैं ये पहला पॉइंट हो गया x और ये वाई वाई इक्वल टू फाइव दे रखा है तो भाई सबसे पहले तो मैंने ये बना दिया x इक्वल टू वन है वन टू थ्री फोर फाइव इधर ही जाएगा इमेज x की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये आपका जो पॉइंट है ये पॉइंट आ गया

तो दो पॉइंट ही मुझे आगे चलना होगा जैसे यहां पे चले तो एक पॉइंट तो ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा यहां पे हो गया तो मुझे पता है यहां पे जितना डिस्टेंस डिस्टेंस यहां यहां चले उतना ही यहाँ चलेंगे x की वैल्यू थ्री है y की हमारी सेम रहेगी भाई ऊंचाई तो हाइट तो सेम ही है ना हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस देखना है जितना डिस्टेंस हम यहां से यहां तक चले थे, थे ठीक है उतना ही डिस्टेंस हम यहां से यहां चलेंगे ये यह दो किलोमीटर है तो यहां भी दो किलोमीटर तीन और पांच कौन सा ऑप्शन है सी बताइए भाई क्लियर कंसेप्ट तो रिफ्लेक्शन इमेज के आप फिगर बना के करोगे तो ईजी रहेगा थोड़ा सा जैसे ट्रिक बताते हैं कि हाँ यहाँ पॉइंट तो वही रहेंगे पॉइंट वही रहेंगे यहाँ माइनस वन फाइव है तो एक पॉइंट तो सेम रहेगा अब जैसे एक्सिस एक्सिस होगा तो वहाँ तो वहां सेम बनेंगे पॉइंट यहाँ थोड़ा चेंज होता है जब एक्स और वाई की वैल्यू पे रखा जाता है मिरर इमेज चलिए नेक्स्ट देखें देखिए वाई इक्वल टू थ्री पे रखा गया है अभी तक मैंने एक्स पे रखे थे अब किस पे रख दिया वाई पे ध्यान समझना x इक्वल टू एक और y इक्वल टू दो ये वन ये टू ये हमारा पॉइंट है x इक्वल टू वन वाई टू टू ये पहली वाली वैल्यू x की दूसरी वाली वैल्यू y की x वन यहां था हमारा ठीक है और y ऊपर दो अब कहा रखा गया भाई प्रतिबिंब प्रतिबिंब रखा गया वाईक्वल टू थ्री पे वाईक्वल टू थ्री यहाँ होगा ये फोर होगा ये फाइव होगा इस तरीके से आगे बढ़ेगा सिक्स अब मुझे पता है ये जो है ना वाईक्वल टू थ्री अभी तक हम x की वैल्यू दे रहा तो सीधा कीजिए y की वैल्यू थ्री है तो रख दिया अब मुझे पता है यहाँ से का डिस्टेंस कितना है एक तो यहाँ ऊपर भी हम कितना जाएंगे ऊपर भी हम जाएंगे एक। एक पॉइंट 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 पे चले ऊपर चले गए तो यहाँ पे पॉइंट क्या बना मुझे पता है एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी वन और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चार एक्स वन वाई चार देखिए भाई वन और फोर के तीन ऑप्शन दे रखे हैं अब किसमें है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव कौन सा है बी ऑप्शन बताए भाई सिंपल सा तरीका था तो ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल वैल्यू लेके आगे बढ़ना हमें सिंपल सिंपल सा बताइए भाई कोई डाउट देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एक्सिस बता दिया वाई एक्सेस बता दिया एक्स पॉइंट का बता दिया वाई पॉइंट का बता दिया ठीक है भाई अब आते हैं देखिए ओरिजिन का होगा ओरिजिन पे ओरिजिन का आ गया ओरिजिन का मतलब point के जाना है ध्यान से देखना भाई ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस क्लियर और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया माइनस एक्स एक्सिस और ये हो गया माइनस y एक्स क्लियर मूल बिंदु कौन सा होता है मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन यहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है तो भाई मैंने यहाँ पे जीरो ले दिया ये हमारा मूल बिंदु है ठीक अब यहाँ पे मूल बिंदु से x की वैल्यू तीन और y की वैल्यू माइनस फाइव एक्स की वैल्यू यहाँ रहेगी y की वैल्यू यहाँ रहेगी तो x तो हम तीन तक चलते हैं वन टू और थ्री वन टू थ्री और y की वैल्यू माइनस फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव देखिए ऑरिजन का बहुत सिंपल होता है मुझे पता है ये जो है, ये जो पॉइंट है क्या बना एक्स थ्री वाई माइनस वाई अब ये पॉइंट है ना जब ओरिजिन से देखोगे इसे ओरिजिन से मैंने देखा ओरिजन से मैंने इसे यहां पे देख रहा हूँ तो मुझे पता है जब मैं इधर देख रहा हूँ ना तो मिरर कहाँ जाएगा इस तरीके से जाएगा ये क्या है हमारा मिरर जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा ऊपर होगा तो देखिए भाई जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा तो तो ये रहेगा हमारा ये थ्री और फाइव हमारा रहेगा देखिए भाई जिन बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं थ्री फाइव रहेगा अब लेकिन कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स तो नेगेटिव होता है वाई क्या होता है पॉजिटिव यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, है? पॉजिटिव

कि भाई जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही उसके बैग जाओ मिरर में ठीक तो मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन इमेज एकस 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 का क्लियर हुआ होगा एक्सिस एक्सिस का पॉइंट दे दे वाई का पॉइंट दे दे या ओरिजिन दे दे पांचों क्वेश्चन तो मैंने करा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटा नहीं रिफ्लेक्शन इमेज का बधे भाई बढ़ा जाए <coughs> <coughs> नेक्स्ट देखे आइए भाई मिड पॉइंट पे सिंपल सा है मिड पॉइंट का बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है जैसे एक रेखाखंड है AB ये AB है इसका मध्य बिंदु P इज द मिड पॉइंट ये क्या है हमारा मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्लियर वही कंसेप्ट जैसे सपोज कीजिए इसके मैंने पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2 और ये जो P के कोऑर्डिनेट है वो मैंने मान लिए x और y। तो मुझे जब दे रखे हैं पॉइंट P के का कितना है थ्री वन ये दिया है हमें थ्री वन और B का दिया है फाइव माइनस फोर ये हमें निकालना है ये हमें क्या करना है फाइंड करना है तो जब भी इस टाइप से आ जाए तो आपने पॉइंट कैसे निकालने एक्स और वाई की बात करें एक्स और वाई के जब पॉइंट निकालोगे तो एक्स का पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉनमेट टू क्लियर और वाई की अगर बात करें वाई का होता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉनमेट टू ये आपका मिड पॉइंट तो निकाल लेते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके <coughs> x की वैल्यू थ्री दी है x1 हमें निकालना है x2 कितना है फाइव क्लियर भाई टू की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6, प्लस 5, इसे इधर ले गए तो एक्स वन की वैल्यू आ गई सिक्स में से फाइव गया वन बताए भाई ऐसी वाई की, की वैल्यू कितनी है वन और यहाँ पे आ गया टू वाई वन कितना है निकालना है वाई टू कितना है प्लस माइनस माइनस फोर तो दो एकम दो y1 वन माइनस फोर ये इधर जाएगा तो y1 की वैल्यू आ गई फोर प्लस टू कितना सिक्स तो भाई देखिए x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास x1 y1 कितना आ जाएगा x1 y1 आ जाएगा हमारे पास वन कोमा सिक्स वन कोमा कौन सा ऑप्शन है सी तो आपने ये फार्मूला याद रखना है मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं ये वाई कोऑर्डिनेट का ये एक्स कोऑर्डिनेट का

कट वाला करा पे कटे पे कटे तो क्या होंगे देखते हैं तो क्वेश्चन है P के मध्य बिंदु का दे रखा है और X और y की है है और और की पूछी जैसे कीजिए मैंने एक पहले सबसे पहला काम होता है, फिगर बनाइए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है पी क्लियर पी के जो पॉइंट है माइनस टू अपॉन फाइव है माइनस टू कोमा फाइव और ए के निर्देशांक है माइनस पांच कोमा y b के निर्देशांक हैं x, 3 क्लियर भाई अब मुझे पता है ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये x और y होता है और ये होता है x2 y2 क्लियर और ये होता है x1 y1 फार्मूला मैंने आपको बताया था x निकालने का x1 x2 में 2 और ऐसी मैंने y का बताया y1 y2 में 2 क्लियर भाई अब देखिए करना कैसे था इसे मुझे पता है ये वैल्यू ये वैल्यू दे रखी है एक्स की कितनी माइनस टू एक्स वन कितना है माइनस फाइव एक्स टू मुझे पांच जाएगा प्लस पांच। पांच चार गया एक तो देखिए एक्स की वैल्यू किसकी पूछी थी वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पूछी थी इससे सही कर लेना एक्स का मान क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई की पूछता तो वाई की भी कैसे निकालोगे जैसे वाई की वैल्यू कितनी है कितना तो वाई की वैल्यू आ गई टेन में से थ्री क्या सेवन तो भाई अगर क्या हो जाते वाई की वैल्यू वन और सेवन यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास बनाई है वाई की वैल्यू सेवन एक्स वाई की वैल्यू पूछता या सम पूछ लेता एक्स प्लस वाई पूछ लेता जैसे तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाता वन प्लस सेवन कितना एट तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तो आपको पता चला मिड पॉइंट कैसे निकालना है क्लियर भाई नेक्स्ट देखें डिस्टेंस देखिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो इक्वेशन वाला ही बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्योंकि तो इक्वेशन में थोड़ा सा टफ रहता है वो भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपका स्लोप निकालना होता है वहां पे तो जैसे दो पॉइंट है इनके बीच की दूरी बतानी है ट्रेंगल दे, ट्रेंगल दे दे देगा देगा में साइड के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालने की बात होती है। का होता है अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क् प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बताइए कोई डाउट इसमें अब देखिए मुझे वैल्यू दी है इसके ये दो सात दिया है और ये दिया है हमें k माइनस पांच और ये d कितना दिया है थर्टीन वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला क्या बन जाता है डी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो मैंने क्या किया सिर्फ इस स्क्वायर रूट को इधर ले गया स्क्वायर बन गया तो मुझे डी की वैल्यू है तेरह का स्क्वायर एक्स टू कितना है के एक्स वन कितना है टू के माइनस टू का होल्स बी स्क्स टू ए बी दो नहीं चार के प्लस पांच और सात बारह माइनस बारह का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक सौ चौवालीस क्लियर भाई तो मुझे के की वैल्यू निकालनी थी इस वैल्यू को ले जाओ जीरो के बराबर रख दो स्क्वायर माइनस चारो अड़तालीस उधर जाएगा minus होगा अड़तालीस माइनस ट्वेंटी सात और तीन बनते हैं, सिंपल से फैक्टर बनने के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस थ्री के माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो जीरो इधर लगाइए इक्वल टू गया इधर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे पास ये फैक्टर बन के आ जाएंगे इसमें से फैक्टर बन गए k कॉमन लिया k माइनस सेवन अगले में से कॉमन लिया प्लस थ्री तो अंदर क्या बच गया k माइनस सेवन तो भैया एक फैक्टर बना k माइनस सेवन और एक फैक्टर बना k प्लस थ्री दो फैक्टर बनते अब यहां से k की वैल्यू मैंने निकाली k की वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव में k की वैल्यू एक तो आ गई सेवन एक k की वैल्यू आ गई माइनस थ्री तो भैया माइनस थ्री वाली रिजेक्ट हो गई प्लस वाली ले लेंगे हम तो बताइए भैया के की वैल्यू क्या सेवन तो ये हमारा आंसर आ जाएगा के की वैल्यू पूछी थी वैल्यू कितनी आ गई देखिए मोस्टली एग्जाम आप बिहार के एग्जाम में देखोगे जो टीचिंग के हैं या केवीएस देखोगे आ रहा है एग्जाम में जिस जिस एग्जाम में मैथ का वेटेज मिलेगा उस एग्जाम में आपका कोर्डिनेटैक्टिव मिलेगा चाहे डिस्टेंस दे रिफ्लेक्शन से दे इंटरसेप्शन फॉर्म से दे एरिया ऑफ ट्राइंगल से दे या इन सेंटर से दे सेंट्रोइड से दे कहीं तो से भी दे सकता क्वेश्चन कोऑर्डिनेट चैप्टर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा तो है तो ईजी है आपके लिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए देखिए डिस्टेंस निकालना है पॉइंट दिए हैं ये पहले कराना था आपको तो पॉइंट दिए हैं ए और बी ए और बी ए के पॉइंट हैं थ्री सिक्स ग्राफ पे बना के करोगे तो भी इजी है

बढ़ा जाए आगे देखिए दो इक्वेशन दे दिए इसके सॉल्यूशन सोल्यूशन दोनों हमें लीनियर इक्वेशन का तो क्वेश्चन है टू एक्स प्लस थ्री वाईक्वल टू ट्वेल्व यहाँ समझ लीजिए कुछ बच्चों को मैंने पहले यूपी कॉन्स्टेबल वाले में कराया था वहां समझ में नहीं आया था तो यहां समझिए भाई ध्यान से मुझे जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं जैसे दो इक्वेशन देती है इसमें कैसे करना है एक वैल्यू को बराबर कर लीजिए या तो एक्स वाली वैल्यू को बराबर करिए या वाई की तो मैंने एक्स वाली वैल्यू को बराबर कर दिया ऊपर थ्री की कर दो नीचे टू की कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों बराबर हो जाएंगे ऊपर थ्री की कर दी नीचे टू की तो मैंने मल्टीप्लाई किया थ्री की पूरे से कर दी थ्री टू जा सिक्स एक्स थ्री थ्री जा नाइन वाई बारह तीर छत्तीस दो की तीन दूनी छो दूनी चार माइनस चार बाई पांच दूनी दस इसे सॉल्व करना है देखिए यहां प्लस का साइन है पहले में से दूसरे वाला माइनस कर दीजिए तो यहां माइनस कर दीजिए साइन अपोजिट कर देना यहां माइनस है तो यहां प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस अब इसे सोल्व करना है यानी पहले वाले में से दूसरे वाला मैंने माइनस कर दिया इसका मतलब होता है जो नीचे साइन है उसको अपोजिट कर दीजिए इसे काट देंगे सिक्स एक्स से सिक्स एक्स गया हमारा ये कट गया से नौ प्लस चार तेरह वाई छत्तीस में से दस गया छब्बीस है, तो है, तो है इसमें रख दीजिए वैल्यू को मैंने रखा है इसमें टू एक्स प्लस थ्री इंटू मैं टू इक्वल टू बारह तीन दूनी छ होते जाएगा टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बारह में से छह गया छे तो टू एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू आ गई छह बटे में दो कितना आ गया तीन एक्स की वैल्यू तीन और वाई की तो आ गया भी। हमारे को तो वाई मिल गया तो मैंने टिक कर अगर दो ऑप्शन दे देता है, तब आती है। वैसे दो दे गए वाई, तो वाई यहाँ भी दो दे देगा और यहाँ एक्स माइनस थ्री दे दिया तब आपने सॉल्व करना होगा जो सिंपल दिया उन्होंने करा ही नहीं है और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू सोल्व कर दी वाई की वैल्यू सोल्व कर दी आप देखोगे दोनों में सेटिस्फाई होगी वैल्यू क्लियर भाई बढ़ा जाए आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए एम के किस मान के लिए समीकरण का असंख्य हल होगा इन फाइनेट सोल्यूशन देखिए तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं <coughs> जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात होगी देखिए जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात होगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स प्रतिषेधित रेखाएं तो इसमें क्या होता है वन सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं आपने ये याद रखना वन सॉल्यूशन बनाएगा यूनिक जैसे दो इक्वेशन देगा आपको सपोज कीजिए दो इक्वेशन दी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और यहां दे दिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन सी बनाएगा? टू जीरो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन अब आता है पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइन समानता दिखाए पैरेलल लाइंस समानता दिखाएं तो इसमें कैसे बनाएगा जैसे दो इक्वेशन यही देगा <coughs> इसमें बनता है नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा जैसे ये दो इक्वेशन दे दी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और यहां दे देगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन यही देंगी जो इक्वेशन यहाँ है वही इक्वेशन मैंने यहां लिखी है तो इसमें जब बनाएगा तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और यहां हो जाएगा नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ये आपने ध्यान रखना है अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइन कोइंसिडेंट लाइंस संपाती रेखाएं हिंदी में कई बच्चों को नहीं पता होगा संपाति रेखाएं ये तो सिंपल था इसलिए मैंने लिखा नहीं है नहीं, समांतर रेखाएं है, कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कोईट सोल्यूशन सोल्यूशन देखिए एक सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं और असंख्य सोल्यूशन तो इसमें जो इक्वेशन होती है ना जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और यहां हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो जब इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात होगी तो ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू बराबर होगा बी वन अपॉन बी टू का इक्वल टू होगा सी वन अपॉन सी टू यह आपने ध्यान रखना है ये तीन लाइनें हैं इंटरसेक्टिंग लाइन लाइन और कोइंसिडेंट लाइन तो एक में होता है नो सोल्यूशन पेल लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन और इसमें होगा इंटर कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सोल्यूशन असंख्या अब आते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा था देखिए

दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने सेवनटीन एक्स प्लस एम वाई प्लस एक सौ दो इक्वल टू जीरो अड़तीस इक्वल टू जीरो क्लियर भाई तो मुझे पता ही ये होगी वैल्यू। तो मैं यहाँ बराबर रखूंगा जैसे सत्रह बटे तेईस बराबर है एम बटे में दो सौ निन्यानवे बराबर है एक सौ दो बटे में एक सौ अड़तीस एम की वैल्यू निकालनी थी या तो आप इन दोनों कंपेयर तो 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 और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो मेरे पास आ जाएगा एक सौ दो गुणा में दो सौ निन्यानवे अपौन में एक सौ अड़तीस आप दोनों से करोगे दोनों से एम की वैल्यू सेम आएगी तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ दोनों से दोनों से मैं करके बता देता हूँ आपको तो मुझे पता है ये तेईस से जाएगा तेईस तेरह सत्रह तावन एम की वैल्यू आ, आ गई दो सौ इक्कीस क्लियर भाई एम की वैल्यू कितनी आ गई दो सौ इक्कीस करोगे छह से काटा सत्रह और ये तेईस यही बन गया सेम सत्रह बटे तेईस अब तेईस से काटा ये कितना आ गया तेरा तो एम की वैल्यू आ गई यहां से भी सत्रह गुना तेरह कितना होता है दो सौ इक्कीस मुझे पहाड़ा पता है तो मैंने जल्दी पढ़ दिया तो एम की वैल्यू कितनी आ गई दो सौ इक्कीस क्लियर भाई बताई कोई डाउट इन फाइनाइट सोल्यूशन आपने याद रखा जो मैंने बताया अभी intersecting line parallel lines और coincident line coincident पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है ये मैंने आपको बताई दिया कांसेप्ट देख लीजिए भाई इसका रट्टा मार लेना एक क्वेश्चन बनता ही बनता चाहे पैरेलल लाइन से दे देगा इनफाइनाइट से दे देगा देखिए सेम क्वेश्चन इस बार क्या होगा कोई हल नहीं है कोई हल इसमें नहीं है भाई कोई हल इसमें नहीं है नो no सॉल्यूशन intersecting लाइन में तो a1 upon a2 कोई हल अरे नहीं कोई हल नहीं है का मतलब नो no सोल्यूशन यार कहा हम जा रहे हैं नो सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन देखिए कोई हल नहीं है तो पहले लाइन्स है कैसा कॉन्शन है का पहले कोई हल नहीं है है में होता नो सॉल्यूशन no ठीक है भाई तो इसका मैंने अभी बताया आपको ए वन अपॉन में बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू आपने लगाना था यहां से वैल्यू आ जाएगी दोनों मैंने इक्वेशन लिख दूंगा मैं के आगे 7x minus my minus 17 0. तो वैल्यू रख दे आगे मुझे पता है है इक्वेशन कैसे बनती यहां रखा एटीन अपॉइंट सेवन इक्वल है इसे सोल्व करना था तो मैंने किया माइनस से तो माइनस काट दिया की वैल्यू आ गई मेरे पास में तो 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 कोई हल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा एम की वैल्यू ट्वेंटी एट तो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। ये मैंने अभी लिखवाई दिया सारे तीनों तो उसी पे बेस क्वेश्चन आता है भाई कोई डाउट इसमें चलिए त्रिभुज के केंद्रक। के केंद्रक एक जैसे सेंट्रोइड का क्वेश्चन आता देती है सेंट्रोइड पहले दे दिए कोई नहीं कर लीजिए अगर सेंट्रोइड पहले आ गया तो जैसे हमारे को हमने पढ़ा होगा ये जी बनता है सेंट्रोइड इसके पॉइंट होते हैं एक्स और वाई ये ए है तो मैंने इसके पॉइंट मान लिया एक्स वन वाई वन और ये बी है इसके पॉइंट हो गए एक्स टू वाई टू और यहाँ सी होगा तो इसके पॉइंट हो जाएंगे एक्स थ्री वाई थ्री जब हम जी के पॉइंट निकालते हैं एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में टू और ऐसे जब हम वाई के निकालेंगे वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में टू तो भैया पॉइंट आपको दे रखे पॉइंट कौन कौन से दे रखे देखिए ए के पॉइंट है वन कोमा माइनस फाइव ये पॉइंट माइनस फोर कोमा जीरो ये पॉइंट है थ्री कोमा माइनस फोर क्लियर भाई अब एक्स के पॉइंट हमें निकाल लेते तो मैंने सीधी वैल्यू रखी एक्स वन कितना है वन और ये कितना है माइनस फोर ये कितना है प्लस थ्री तीन प्लस एक चार ये कितना गया? जीरो जीरो पे भाई कौन कौन से चारों ही एक्स की वैल्यू जीरो है तो चारों ऑप्शन में से एक ही तो मैं वाई के निकाले वाई के मैंने निकाले माइनस फाइव ये कितना प्लस जीरो इधर कितना माइनस चार अपॉन में दो फार्मूला कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने तो फार्मूला में थोड़ी सी करेक्शन करना जरा फार्मूला होगा हमारे पास अपॉन थ्री अपॉन थ्री भाई टू नहीं होता मिड पॉइंट वाला लिख देता है मिड पॉइंट में होता है एक्स एक हो वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और यहाँ पे जब हमारे पास सेंट्रोइड की बात होगी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री तो जब आप यहाँ थ्री करोगे देखिए फार्मूला ऐसा होता है जल्दबाजी में लिख जाता है तो माइनस पांच माइनस चार माइनस बटे में तीन काटोगे कितना आएगा माइनस तीन तो भैया एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया जीरो वाई का आ गया माइनस थ्री जीरो और माइनस थ्री किस पे है या लो ऑप्शन पी ऑप्शन देखिए जब हम चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं जब आंसर नहीं आ रहा मुझे पता कहीं ना कहीं गलती हुई है तो मुझे नहीं याद भी होता तो मैंने फार्मूला मुझे पता यहाँ गलती होती है मुझसे तो, तो फार्मूले भी कई बार होता है A B के होल स्क्वायर क्या माइनस टू ए भी लिखा था। तो वहाँ प्लस टू ए भी होता है तो गलतियाँ पकड़ने का तरीका तभी हो पाएगा जब हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि मुझे पता आंसर नहीं आया तो कहा गलती हुई ये फार्मूले में गलती होगी कि डेसिमल में तो कोई आ नहीं रहा तो सीधा सीधा पता चल गया और हमारी किस्मत भी अच्छी होती है कि पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू देता है बताइए भाई कोई डाउट बढ़ा जाए आगे बोलिए भाई सेंट्रोइड का आपने फार्मूला याद रखना है चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला देखिए भाई जैसे ए और बी है एक पॉइंट है बीच में पी वो डिवाइड करता है एम रेशू एन ठीक है मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट में क्या होता था दोनों बराबर भागों में बांटती थी में यानी मिड पॉइंट का मतलब ये तो होता है इधर वाली भी बराबर है इधर वाली भी तो वहां one issue, one में लेकिन यहाँ पे किस में बांट रहा है एम रिशोन में तो जैसे इसके कॉर्डिनेट मैंने मान लिए और लिया के हो हो गए और और ये हो गया क्लियर भाई जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो फार्मूला होता है जैसे एम की एक्स टू से कर दी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन

ए e रेखा खंड बीसी को या ये बीसी दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं ए e को बीच में रख लेते हैं बीसी को इधर उधर रख लेते हैं तो <coughs> तो मैंने इसे थोड़ा सा रिमूव किया तो जैसे क्या कह रहा है बीसी बीसी जो है ये ए e को वन रेशो थ्री में बांटता है यानी ये कह रहा है वन रेशो थ्री में बांटता है क्लियर बताइए भाई ए जो है B, को वन में बाटता है। को बी के निर्देशांक निर्दे 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 क्या होंगे जीरो और 6. तो मैंने सी के निर्देशांक लिख दिए जीरो छे मुझे निकालने थे पॉइंट ए के निर्देशांक ए के निर्देशांक निकालने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है वन की पहले मैं क्या करूंगा एक्स के निकालने तो क्या करेंगे वन की जीरो से वन इन टू में जीरो प्लस एन कितना है थ्री और एक्स वन कितना है फोर अपॉन में एम प्लस एन वन प्लस थ्री तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो प्लस बारह अपॉन में तीन प्लस एक चार बारह बटे चार को काटोगे कितना आएगा थ्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री कौन सा ऑप्शन है एक ही है आ गया जरूरी नहीं आगे सॉल्व करने की अगर करना चाहते हो तो वाई की भी कर लेते हैं देखिए आंसर पता चल जाएगा करेक्ट है नहीं एम की वैल्यू वन वाई टू की वैल्यू सिक्स प्लस एन की वैल्यू थ्री और वाई वन की वैल्यू कितनी माइनस फोर अपॉन में एम प्लस एन वन प्लस थ्री तो वाई की वैल्यू आ जाएगी सिक्स चार तीन या बारह माइनस बारह अपॉन में चार तो माइनस छः में से माइनस बारह जाएगा तो कितना बचेगा माइनस छः बटे में चार जब काटोगे माइनस तीन बटे दो को क्या लिख सकते हो माइनस वन पॉइंट फाइव तो मेरे पास पॉइंट आ गए थ्री कोमा माइनस वन पॉइंट फाइव बताइए भाई

कितने क्वेश्चन आए आज दो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए भाई दोनों क्वेश्चन करा के क्लास फिनिश करते हैं। पॉइंट, e रेखाखंड को, देखिए रेखाखंड कौन सी है BC? ये e जो पॉइंट है BC को किस रेशो में बांट रहा है टू रेशो फाइव में क्लियर भाई ए जो रेखाखंड है इसके पॉइंट कितने फोर और टू बी के निर्देशांक कितने टू और सिक्स और सी के कितने हैं सेवन कोमा वाई हमें वाई का पॉइंट निकालना वाई क्या होगा ठीक है सिंपल सा वाई का निकालना है तो मैंने फॉर्मूला लेकिन दोनों का बताया था आपको एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस ए और वाई का मैंने बताया था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस ए तो भाई वाई का निकालना है ये निकालना है मान वाई वाला तो मैं वाई को लेके चलूंगा को नहीं लूंगा मैं तो मुझे पता ये वैल्यू कितनी दी है वाई की वाई की वैल्यू दी है टू एम कितना है टू इन टू में वाई टू कितना है वाई प्लस एन कितना है फाइव इन टू में वाई वन कितना है सिक्स अपॉन में एम प्लस एन टू प्लस फाइव क्लियर भाई अब बताइए कितना टाइम लगेगा फोर्टी टू वाई छीस इसे इधर ले जाएं इधर जाएगा कितना होगा माइनस सोलह तो माइनस सोलह बराबर है टू वाई के तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस सिक्सटीन काटोगे कितना आ गया माइनस एट बताइए भाई हमें तो सिर्फ वाई की निकालनी है ना वैल्यू तो वाई को लेके चलूंगा मैं क्यों भाई एक्स को निकालूंगा एक्स निकालोगे तो सेटिस्फाई होगी आप चेक कर लीजिए एक्स को निकालोगे तो सेटिस्फाई होगी आपकी हो सकता है यहां पे एक्स का भी पूछ लेता यहाँ पे कोई वैल्यू एक्स दे देगा आपको यहाँ पे एक्स दे देगा या यही पॉइंट पूछ पूछेगा कोई भी वैल्यू पूछ सकता है मैं सेटिस्फाई करके देख लेता हूँ कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं फोन यहाँ रख दिया एम की वैल्यू टू इन टू में एक्स टू कितना है सेवन प्लस एन की वैल्यू कितनी है फाइव एक्स वन कितना है टू अपॉन में प्लस प्लस एन टू फाइव तो देखिए फोर तो ही रहने दीजिए इसे क्रॉस चेक करना है मुझे सात दो चौदह पांच दो नी दस दो प्लस पांच एक खंड किससे बांट रहा है दो सत्य चौदह दस चौबीस देखिए इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है वैल्यू कुछ गड़बड़ होगी या तो एक मिस्टेक हो गई होगी हमारा वाई का मान सही आ रहा तो वाई से हमें मतलब तो यहाँ कुछ ना कुछ देगा यार चार नहीं देगा चार की जगह कुछ और दे देगा या यहाँ कुछ चेंज कर देगा जैसे मैं बता भी देता हूँ क्या चेंज करेगा अट्ठाइस बनना चाहिए हमारा तो अट्ठाइस बनाने के लिए मुझे दस तो यह आ गया नो आना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे अगर नो कर लोगे नो देगा जैसे नौ दोनों अठारह 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 दस अट्ठाईस अट्ठाईस बटे में सात करोगे तो कितना आएगा चार देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनता है एग्जाम में सिर्फ क्या किया एक पॉइंट की टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो यहाँ पॉइंट देता है no, y देगा तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी या no कर लेना तो नो पे सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए एक रेखाखंड बी सी को किस रेशो बांट रहा है पांच रेशो एक विभाजित कर रहा है बी के निर्देशांक ये हैं सी के ये हैं तो ए के निर्देशांक बताने हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है ए रेखाखंड जो है टफ मैंने करा दिए पहले रेखा खंड बी सी को निर्देशांक है निर्देशांकनेट ए के फार्मूला इंटरनल डिविजन का <coughs> एक्सटर्नल डिविजन नहीं दिया है <coughs> इंटरनल निकालना है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अब एम प्लस एन और यहाँ पे वाई का हो जाएगा एम एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन सोल्व कर दीजिए भाई कुछ नहीं करना था जैसे X का निकालना है एम की वैल्यू फाइव है, है, है और की वैल्यू कितनी है सिक्स एम प्लस एन फाइव प्लस वन तो ये कितना हो गया छम का कोऑर्डिनेट कितना आ गया पांच की जीरो से करोगे जीरो आएगा छ अब ऐसी वाई का निकालना है तो मुझे पता है वाई y2 कितना है आठ आठ पंजे चालीस एन कितना है वन और ये कितना है y1 वन माइनस फोर अपॉन में पांच प्लस एक तो भाई y की वैल्यू आ गई आठ पंजे चालीस माइनस चार छ पांच ग्यारह चालीस में चार गया छत्तीस कहां हुई जीरो आठ पांच जीरो एक छ एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक आ गया देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट एक इसमें भी आ रहा है एक इसमें भी आ रहा है तो इन दोनों में से होगा अभी मैं ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हुई हो या कुछ तो पंजे चारिस, चारिस प्लस चार। यहां एक छोटा सा चेंज करिए यहां पे चेंज क्या होगा माइनस में वैल्यू आएगी तो देख लेते हैं यहां पे माइनस एट कर लीजिए आपका आंसर ठीक आ जाएगा इसे क्या करना है माइनस एट इसे क्या करना है माइनस एट माइनस लिखना भूल गया है टाइपिस्ट तो माइनस एट कर लोगे तो आठ पंजे चालीस माइनस चालीस माइनस कितना हो जाएगा माइनस चवालीस माइनस चवालीस में ग्यारह कितना काटोगे माइनस चार आ गए आंसर लेकिन माइनस चार भी नहीं है छे है अरे यार गलती क्या हुई है देख रहे वो सही है मेरे हिसाब से यहाँ पे गलती हुई है एम प्लस एन पाँच प्लस ए की तो होगा यार पाँच प्लस ए की तो होगा खाली पीली में हम यार क्वेश्चन पे दो तेरे टाइप इसको तो देखिए क्या क्या गलती हुई है ये सही है भाई मैं वही कहूँ यार माइनस कैसे लगाना भूल गया वो तो ये कितना होगा जीरो एट तो मुझे पता फाइव प्लस वन है यार नीचे तो फाइव प्लस वन पे कितना होता है ये सिक्स होता है और यहाँ पे आपका ये माइनस रहेगा चालीस में से चार गया कितना आ गया भाई छत्तीस छत्तीस बटे में छ कितना होता है भाई छे तो मुझे पता है एक्स का कोऑर्डिनेट वन और वाई का कितना सिक्स वन और सिक्स कौन से ऑप्शन में डी तो ये छोटी मोटी मिस्टेक से बचना है हमने ये छोटी मोटी गलतियाँ होंगी तो क्वेश्चन का आंसर गलत तो एग्जाम में आपने देखना है कहाँ गलती हुई है पांच प्लस मैंने क्या किया पांच प्लस छह कर लिया था होना कितना था पांच प्लस ए ही तो है यार एम प्लस एन एम प्लस एन कितना है पांच प्लस एक छे तो ये हो जाएगा छे अब हम क्वेश्चन को ही बिगाड़ने चल चलते थे यार जबकि ये ठीक है माइनस नहीं आएगा यहाँ पे तो पांच गुणा में आठ ये फार्मूला आपने याद रखना मीन वो गलती नहीं होनी चाहिए 40 में 4 गया 36 36 बटे 6 कितना होता है 6 सिंपल सा आंसर आ रहा था यार क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हम तो ये आ गया हमारा आंसर चलिए भाई देखिए स्लोप इस स्लोप इस स्लोप का मतलब होता है ढाल जैसे कोई लाइन जा रही है भाई कहीं एक्स एक्सिस या y एक्सिस या सिंपल लाइन जा रही है तो जैसे ये लाइन जा रही है हमारी तो इसे हम कहते हैं इसका जो ढाल है वो कैसा है इस, इसका ढाल निकालने के स्लोप की वैल्यू को हम मानते हैं एम और ये जो यहाँ पे ठीटा होगा अगर ठीटा गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है एम की वैल्यू टेन थीटा, क्लियर भाई और अगर इस लाइन का ठीटा नहीं गिवन है दो कोऑर्डिनेट गिवन है जैसे दो पॉइंट गिवन है तो अगर हमें स्लोप निकालना है तो जैसे पॉइंट पे दे दिया एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया तो एक एक्स वन एक्स टू होगा तो स्लोप का होता फॉर्मूलाई वन अपॉन में X2 X1. अगर थीटा गिवन है, जैसे सिक्सटी डिग्री के वन है तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री तो स्लोप क्या ढाल कितना आएगा लाइन का रूट थ्री और पॉइंट दे रखे दो पॉइंट से आप कैसे निकालोगे दो पॉइंट से निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बताइए भाई कोई डाउट ये तो एक पे थीटा गिवन होगा या आपको दो पॉइंट गिवन होंगे ये जब पॉइंट गिवन होते हैं ना तब की बात है ये x1 y1 और x2 y2 जब ये गिवन होंगे ना तो आपने स्लोप इस, इस तरीके से निकालना है ठीक है और अगर इक्वेशन की वन है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो देखिए इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप कॉफिशियंट ऑफ ए यहां माइनस आ जाएगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स मतलब ए ए की वैल्यू होगी वो ऊपर कोफिशियंट ऑफ बी तो हम ये कह सकते हैं माइनस ए अपॉन बी ये हमारा क्या होगा स्लोप और कई बुकों में आपको फार्मूला बता रखा हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो इसे किस फॉर्म में लाना होगा सी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एम जो होता है हमारा स्लोप होता है तो इसे हमने चेंज करना होगा इस फॉर्म में कैसे करोगे आप देखिए भाई इसे बी वाई को यहाँ छोड़िए तो ये हो गया आपका ए एक्स माइनस ए एक्स और माइनस सी या आ गया भाई बाकी बी वाई छोड़ा बाकी वैल्यू को सबको उधर ले गया अब मुझे पता है सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर ले गया बी को डिवाइड कर दिया माइनस ए अपॉन बी एक्स और इस बी को इधर भी ले जाके डिवाइड करोगे माइनस सी अपॉन बी तो ये हमारे पास जो एम की वैल्यू आई है एम की वैल्यू क्या आई अभी माइनस ए अपॉन बी तो एम की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन बी ये हमारा स्लोप हो गया और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो माइनस सी अपॉन बी तो ये भी मैंने डायरेक्ट बता दिया स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा माइनस ए अपॉन बी तो पॉइंट वाला बता दिया इक्वेशन देगा तब आपने इस तरीके से निकालना है थीटा गिवन होगा तो इस तरीके से क्लियर भाई कंसेप्ट रट्टा झट्टा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो कोऑर्डिनेट बहुत कम बच्चों को समझ में आता है तो आपको पता है दो पॉइंट देगा तो इस, ये फार्मूला यूज होना है तो ये एम इक्ल टू और इक्वेशन गिवन होगी तो माइनस ए अपॉन एक और देखते हैं भाई परपेंडिकुलर लाइंस गिवन होगी तब जैसे परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है ये 90 डिग्री बना रहा है जब परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है तो इसका स्लोप ये इस लाइन का स्लोप होगा m1 इसका m2 तो परपेंडिकुलर लाइंस में m1 वन इन में एम की वैल्यू होती है माइनस वन जब पैल लाइन्स होगी पैलल लाइन्स मतलब दोनों एक दूसरे के पैलल हैं कहीं नहीं मिलती हैं तो इसे माना m1 इसे माना m2 तो जो इनका स्लोप होगा वो इक्वल होता है ये आपने याद रखना और एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन ये होता है आपका परपेंडिकुलर लाइन में बताइए भाई कोई डाउट बढ़ा जाए आगे बताइए भाई एक बार जिसे नोट करना करिए फिर आगे बताते हैं देखिए जब इंटरसेप्ट फॉर्म में दे देता है इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन देगा तो हम क्या करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन ये आपने ध्यान रखना कई बार इंटरसेप्ट फॉर्म में वैल्यू दे देगा ए और बी और हमारे से पूछेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन तब हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है इंटरसेप्ट में बढ़े भाई बड़े हम क्वेश्चन थे ये छोटे से फार्मूले थे इस स्लोक के और इंटरसेप्ट के इसी पे बेस क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो एक वरना उसके टॉपिक है देखिए सेंट्रोइड मैंने कराया था लास्ट क्लास में स्ट्रोप बताएंगे एरिया बताएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में और डिवीजन से रिलेटेड बताएंगे बताइए भाई बढ़ा जाए क्वेश्चंस पे चलिए देख लेते क्वेश्चंस देखिए ये इक्वेशन दिया है विद इन पांच सेकंड का सवाल है अगर आपने पता है पांच सेकंड भी हो सकता है ना लगे बिना पेन चलाए बता पाओ ये इक्वेशन दे रखिये टू एक्स वाइट लेते हैं टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू ट ए एक्स प्लस टू प्लस सीवल टू जीरो के फॉर्म में देगा तो इसका स्लोप क्या होगा स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी अब देखिए माइनस ए की बात हो रही है माइनस ए माइनस तो आ गया ए की वैल्यू क्या है टू बी की वैल्यू क्या है माइनस फाइव भाई इधर प्लस था ना तो इसे तो कैसे लिखोगे आप टू एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव वाई इधर चले जाएगा ट्वेल्वी तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ट्वेल्व टू जीरो बन गई आपकी ए बी सी तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो तो मैंने इसे कन्वर्ट किया ए की वैल्यू कितनी है टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव माइनस से माइनस गया तो आंसर क्या आ गया टू बाई फाइव तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है ए तो बिना पेन चलाए आप बता सकते हो ए की वैल्यू है टू बी की वैल्यू है माइनस फाइव तो माइनस से माइनस किया तो कितना आंसर आ गया टू बाई फाइव बताइए भाई कोई डाउट इसमें तो इस तरीके से हम इक्वेशन में स्लोप निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका मैंने जो बताया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो इस तरीके से भी चल सकते हो कहीं बुकों में ये दे रखा है तो अब देखिए माइनस फाइव वाई को उधर ले जाए तो ये इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू बन गई टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू फाइव वाई फाइव वाई को इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास फाइव को मैंने डिवाइड कर दिया टू एक्स माइनस ट्वेल्व को फाइव से डिवाइड कर दिया अब क्या करना फाइव को सेपरेट सेपरेट लेना है जब आप सेपरेट लोग टू बाई फाइव हमारा तो आंसर आ ही गया ना प्लस ये आ गया माइनस ट्वेल्व बाई फाइव ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी और ये जो होगा हमारा टू बाई फाइव क्या होगा स्लोप ये आ गया हमारे पास एम की वैल्यू एम अभी मैंने यही तो बताया था y टू एम एक्स प्लस सी एम क्या होता है हमारा स्लोप बताइए भाई आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे लेकिन आसान तरीका क्या है माइनस ए अपॉन बी क्लियर भाई कर लीजिए भाई जैसे करना है फिर आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू एट ये दे रखा है स्लोप दे दिया है ए का मान पूछा है देखिए अभी तक हमारे से ये ए की वैल्यू गिवन थी तो स्लोप पूछ लिया था अब इस बार क्या कि स्लोप गिवन है ए की वैल्यू पूछ ली तो मुझे पता है स्लोप क्या होता है भाई माइनस ए अपॉन बी यही होता है स्लोप कितना दिया है माइनस फोर अपॉन थ्री ए की वैल्यू कितनी है ए ए की वैल्यू ए है एक्स भी दे सकता था इधर और बी की वैल्यू कितनी है फाइव भाई प्लस का ही है तो प्लस का ही आएगा माइनस होता तो हमें अंदर ले जाना पड़ता तो माइनस से माइनस कट गया ए पाँच चौक बीस आ गया ए की वैल्यू आ गई बीस बटे में तीन बताइए भाई कोई डाउट 20/3 कौन सा ऑप्शन ए तो 5 5 सेकंड के सवाल है अगर स्लोप में सिंपल इक्वेशन दे देता दे था जैसे-जैसे बढेंगे वैसे वैसे-वैसे लेवल ही बढ़ेगा क्वेश्चंस का तो बढ़ जाए आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी रेखा का ढलान 4/3 है भाई एक ए बी ये देखा मैंने मान लिया ए बी भाई कैसी भी रेखा सीधी लाइन है इसका जो स्लोप इस है वो कितना है इस स्लोप 4/ 3 ये ढाल दे रखा है एक ढलान का जो स्लोप होता है ना किस एंगल से जा रहा है फोर बाय थ्री के उसमें जा रहा है स्लोप बिंदु ए और बी के निर्देशांक दो पॉइंट दे दिए और एक्स का मान पूछा है दो पॉइंट कौन कौन से दिए एक एक्स कोमा माइनस फाइव दूसरा पॉइंट है टू कोमा माइनस थ्री ये पॉइंट दे दिए तो मैं इसे मान लेता हूँ एक्स वन और इसे मान लेता हूँ एक्स टू अभी मैंने बत, बताया आपको स्लोप निकालने का दो पॉइंट से वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन ये होता है तो फॉर्मूला रख देना है और आंसर आ जाएगा तो स्लोप है फोर बाई थ्री एम की वैल्यू स्लोप होती है वाई टू माइनस थ्री वाई वन माइनस माइनस फाइव एक्स टू कितना है टू एक्स वन कितना है एक्स एक्स का मान निकालना था आपने तो इसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे चार दो नहीं आठ माइनस चार एक्स इधर करोगे तीन की तीन माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस पंद्रा, तो किया माइनस चार एक्स को को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मैंने आपको पंद्रह में से नौ गया छह को उधर ले जाओगे आठ में से छह गया दो तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई टू बाई फोर जब काटोगे तो कितना आ गया वन बाय टू टू से मैंने काट दिया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू कौन सा ऑप्शन होगा ए देखिए जब दो पॉइंट देगा दो कोऑर्डिनेट दे दिए एक कोऑर्डिनेट ये रहा ए दूसरा कोऑर्डिनेट बी इससे स्लोप का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया इस फार्मूले को मैंने कहा ना रट लीजिए इक्वेशन वाला क्वेश्चन करा दिया और मैंने पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट वाला करा दिया बताइए भाई कोई डाउट इसमें बढ़ा जाए आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ए दे दिया पॉइंट दे दिया रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन नहीं नहीं रिपीट नहीं हुआ सेम सेम क्वेश्चन है कोई नहीं प्रैक्टिस करिए तरीका लगेगा भाई ए और बी दो कोऑर्डिनेट दे दिए कितना है माइनस फोर बाय थ्री और एक कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा माइनस फाइव दूसरा कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव कोमा थ्री सेम वही तरीका है। इसे मैंने एक्स वन वाई वन मान लिया इसे एक्स टू वाई टू मान लिया बताइए भाई कितना टाइम लगेगा ये आपने मान लिया अब सीधा सीधा फॉर्मूला में रखते हैं ये वैल्यू फार्मूला मैंने अभी बताया स्लोप निकालने का वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन एक, 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 एक लाइन या दो पॉइंट दे देगा तब इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो उसका ही मैं बता दूंगा बताए भाई ये देखिए स्लोप कितना है माइनस फोर अपॉन थ्री वाई टू कितना है थ्री माइनस फाइव वन कितना है माइनस फाइव और x2 कितना है माइनस फाइव माइनस ये x सॉल्व किया पांच चौक बीस माइनस माइनस प्लस चार एक्स तीन या नौ माइनस माइनस प्लस पाँच दिया पंद्रह पंद्रह और नौ चौबीस फोर एक्स की वैल्यू आ गई चौबीस में से बीस गया चार तो भैया फोर एक्स की वैल्यू चार है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन तो एक्स की वैल्यू वन कौन सा है डी ऑप्शन बताइए भैया कितना टाइम लगा तो इस तरीके से आपने दो पॉइंट से और स्लोप गिवन है कोई वैल्यू निकाल सकते हो या स्लोप पूछता तब इसमें रख दोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा तब एक्स मान नहीं पूछेगा आपसे भाई कोई डाउट बढ़ा जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबत रेखा की ढलान क्या है भैया देखो वही परपेंडिकुलर वाला आ गया लंबत लंबत जब भी दे देगा तो इस तरीके से दे रखा है ये भैया 90 डिग्री है इसे मान लिया M1 इसे मान लिया M2 अब ये जो पॉइंट है एक रेखा के बिंदुओं के मैंने मान लिया इसी के पॉइंट दे रखे ये ए और बी तो ए के पॉइंट है माइनस फाइव और वन और इसके पॉइंट हैं माइनस टू और जीरो ठीक है ये पॉइंट दे दिए देखिए भाई ध्यान समझना ये दो पॉइंट दे दिए यहां से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इस लाइन का इस लाइन का स्लोप क्या होगा एम का स्लोप निकालने का फार्मूला वाई टू माइनस फाइव तो भाई वाई कितना है जीरो

इक्वल टू होता है माइनस वन होता है किसका है एम किस वन तो मैंने निकालना है सिर्फ माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन देखिए माइनस से माइनस गया थ्री की मल्टीप्लाई होगी गई एम वन की वैल्यू कितनी आ गई थ्री एम वन की वैल्यू कितनी आ गई थ्री तो कौन सा है तो ऐसे भी दे सकता देखिए इस बार क्या दे दिया का। भी काम आ रहा है आपके परपेंडिकुलर लाइंस का ये मैंने बताया ठीक पहला इंटरसेक्ट फॉर्म बता दिया और यहां पे मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो पॉइंट देगा तब आपने इस तरीके से निकालना है माइनस ए अपॉन बी कर देना है हो गया ना भाई ये इसमें कोई डाउट परपेंडिकुलर लाइंस था चलिए भाई इसे देखते हैं व्हाट इज द स्लोप ये जो पॉइंट दे रखे हैं एक पॉइंट ये है एक कोऑर्डिनेट ये है बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब अभिलंब यानी रेखा का ढलान क्या है वही सेम क्वेश्चन अभी जो पिछला कराया वैसा ही है, है परपेंडिकुलर लाइन अगर नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लिया वट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री माइनस टू और फोर टू देखिए ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं

स्लोप निकालने का फॉर्मूलाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर भाई ये आपने रट्टा मान लेना आप इसे सॉल्व किया मैंने जैसे एम टू मुझे निकालना था वाई टू कितना है ये भाई एक्स टू वाई टू मान लीजिए और ये हो गया एक्स वन वाई वन जिन बच्चों को नहीं आता वो लिख लीजिए भाई क्या फर्क पड़ रहा है समझ में तो आएगा वाई टू क्या है टू माइनस वाई वन क्या है माइनस टू और एक्स टू कितना है फोर एक्स वन कितना है थ्री तो माइनस माइनस प्लस हो गया टू प्लस टू फोर अपॉन वन तो ये रिवर्स ले जाना आपने एम वन की वैल्यू और ये फोर इंटू माइनस वन तो एम वन कितना आ गया माइनस वन अपॉन में फोर तो माइनस वन अपॉन फोर क्या होगा डी बता डाउट देखिए जब भी परपेंडिकुलर लाइन देगा तो m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन स्लोप मैंने निकालना बताई दिया मैंने कहा जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का तो बताइए कोई डाउट इसमें आज स्लोप इस और एरिया का ही बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा अच्छे अच्छे कंसेप्ट ले लेंगे मतलब छोटी छोटी तो क्लास रखेंगे कॉर्डिनेट बच्चों को एक शिकायत आती है कि समझ में नहीं आता पहली क्लास हमने ज्यादा क्वेश्चन कराए थे उसमें आसान थी चीजें अब यहाँ से थोड़ी सी टफ होती है तो इसलिए कम कम लेके चलेंगे बढ़ा जाए देखिए भाई दे दिया। दो पॉइंट है के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा का ढाल क्या होगा भाई मैंने मान लिया इसके बराबर से एक समांतर रेखा गुजर रही है ये ये M1 है ये M2। तो मुझे पता है M1 बराबर होगा M2 के जो पहले लाइंस में होता है पहले लाइंस की बात हो रही है दो पॉइंट दे रखे कोई सी भी एक लाइन के दो पॉइंट मान लीजिए ये ए है इसके पॉइंट है फाइव कोमा माइनस वन और दूसरा है बी इसके पॉइंट हैं फोर कोमा माइनस फोर बताइए भाई तो एक का स्लोप निकालना स्लोप का मैंने फॉर्मूला आपको बताया वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो भाई मैंने पुट कर दी वैल्यू तो वाई टू ये है माइनस फोर माइनस वाई वन है माइनस वन एक्स टू है फोर माइनस ये है माइनस फाइव तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री ये आ गया माइनस वन माइनस से माइनस गया कितना गया थ्री तो मुझे पता है एम वन की वैल्यू एम टू के बराबर है और स्लोप कितना है थ्री तो बताइए कोई डाउट सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आपने करना है पैलर लाइंस में दोनों स्लोप बराबर होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस में एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन बताए भाई बढ़ा जाए आगे देखिए ढलान दिया है वाई पर छे दिया है समीकरण बताना है बतानी है कहीं भी है। लेकिन हमने सिंपल फॉर्म में ले चलना है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अभी मैंने बताया देखिए सी जो होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वल टू सिक्स है सी की वैल्यू कितनी है सिक्स स्लोप दिया है तो वाई की वैल्यू आ गई स्लोप है माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस सी कितना है सिक्स सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन आ जाएगी जिस ऑप्शन में दे रखा है तो मैंने वाई बराबर तीन तो ले लिया एलसीय माइनस वन एक्स इस थ्री की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री वाईल टू मैं चाहता डायरेक्ट उड़ा देता ये स्टेप लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर माइनस एक्स हो गया प्लस एटीन हो गया तो भाई एक्स की वैल्यू सब में क्या है पॉजिटिव तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो मैं एक्स की वैल्यू को की गया, x 18. अगर एटीन इधर है तो माइनस एटीन हो जाएगा इक्वल लेकिन उधर दे रखा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा ऑप्शन देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जब पूछेगा तो आपको फार्मूला भी है इस तरीके से दे देगा और आपने ये दे दिया और भी बताऊंगा जैसे दो पॉइंट देगा इक्वेशन कैसे निकालनी है वो भी आगे आएगा क्वेश्चन उसका मैंने लिखवाया है, नहीं है, फार्मूला देखिए भाई नेक्स्ट में हो गया ना भाई क्लियर है नहीं ये सबका बढ़ा जाए आगे देखिए भाई ये इक्वेशन गिवन है उसने कहा द्वारा अक्षों पर कटे अंतरखंड फाइंड द इंटरसेप्ट्स इंटरसेप्ट पॉइंट बताने हैं ये हमें इक्वेशन गिवन है तो देखिए दो तरीके हैं इसके सेवन एक्स मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ सेवन एक्स माइनस एट वाई माइनस फिफ्टी सिक्स टू जीरो फिफ्टी सिक्स को उधर ले जाइए सबसे पहले सिंपल बनाइए माइनस सेवन एक्स एट वाई इक्वल टू फिफ्टी सिक्स ये आपकी इक्वेशन आ गई को तो उधर ले गया वैल्यू को तो सबसे पहले तो एक बार पॉइंट आपने निकाल लेते एक बार आप एक्स जीरो रखिए एक बार वाई जीरो रखिए मैंने एक बार एक्स जीरो रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस सेवन एक अगर वाई जीरो रखा x की वैल्यू कितनी आ गई एट तो सात आठ इस तरीके से नहीं जाओगे चलिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ ये तो थोड़ा सा वैसा हो गया ना कि ग्राफ बना के ग्राफ बना के सॉल्व करना होगा सात और आठ पे टच हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको सेवन आएगा एक एट आएगा ठीक एक्स वाला कितना आता है एट तो आप देख लीजिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ इस 56 है ना जो यहाँ पे इससे डिवाइड कर दीजिए सेवन एक्स अपॉन में 56 56 से नीचे सबको डिवाइड कर दीजिए यहाँ वन बनाइए वन बनाना भी मैं बता देता हूँ अपॉन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स देखिए एक मैंने इंटरसेट फॉर्म की क्वेश्चन बी इक्वल टू वन तो यहाँ पे हमारा सबको ध्यान से देखना भाई फिफ्टी सिक्स से कट गया वन आ गया ये आ गया सात अठे छप्पन एक्स अपॉन एट माइनस वाई अपॉन में सेवन आठ छप्पन ये वन आ गया ये बन गए इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी इसी फॉर्म में बन गई तो ए और बी के पॉइंट पूछे हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी एट बी की वैल्यू क्या होगी सेवन तो जब मैंने था था, वाई का मान क्या आया था का का के नीचे 8 आ गया y का मान क्या आया माइनस सेवन तो माइनस सेवन नहीं था तो 7 को चल सकते थे X8, Y7, तो वहां से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को तो बेटर कौन सा तरीका ये इंटरसेप्ट वाला यहाँ वन बनाना है तो सारे इसे नीचे छप्पन से डिवाइड कर दीजिए बताए भाई कोई डाउट जब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी तब हमने इंटर, इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं तो कैसे निकालोगे ए और बी हमारे क्या होंगे इंटरसेप्ट पॉइंट बढ़ा जाए आगे? कोई डाउट इसमें चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैज थ्री एज एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है भाई अभी जो क्वेश्चन रहा बिल्कुल सिंपल उसी की तरह है इस बार क्या किया उसने पॉइंट दे दिए अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे को क्या पूछा था इक्वेशन की बनती पूछे थे और यहाँ पे point है, equation पूछी है है तो मुझे मुझे पता पता भैया होता मैं टूट के पढ़ा इस question पे X का X के नीचे वाला a होता है वाई के नीचे वाला बी होता है तो वाई का भी गिवन है और एक्स का भी तो मैंने सीधा सीधा वैल्यू में आंसर रखा और आंसर आ गया हमारी एक्स अपॉन में थ्री प्लस वाई अपॉन में बी कोऑर्डिनेट कितना माइनस फाइव इक्वल टू वन तो भैया सबसे पहले तो एलसीएम आ गया फिफ्टीन इस माइनस को ऊपर ले गए तो ये आ गया फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस ये इधर जाएगा तो ये हो गया थ्री वाई टू वन वन की मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी आ गई तो अभी देखिए पंद्रह दे रखा है अगर पंद्रह इधर देता तो माइनस फिफ्टीन इधर हो जाता तो हमारा क्या फाइव एक्स माइनस थ्री वाई फाइव एक्स माइनस थ्री वाई कौन सा ऑप्शन अभी फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फिफ्टीन डाउट तो पिछले क्वेश्चन में हमारे को पॉइंट पिछले क्वेश्चन में हमारे को इक्वेशन गिवन थी हमें क्या पूछा था पॉइंट इस बार क्या है पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए कंसेप्ट क्लियर पॉइंट देगा इक्वेशन पूछेगा इक्वेशन देगा तो पॉइंट पूछेगा बताइए भाई बढ़ा जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इंटरसेप्ट दी भाई जो इक्वेशन पूछ ले दूसरी लाइन की भी करना कैसे है वो देखिए देखिए समझ के आई परपेंडिकुलर वाला मैंने था दो लाइन है परपेंडिकुलर इस लाइन की टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स इसकी इक्वेशन पूछी है उसने इसकी इक्वेशन बतानी है क्या होगी तो इसका स्लोप मैंने मान लिया एम इसका स्लोप मान लिया एम ये परपेंडिकुलर लाइन है क्लियर भाई कंसेप्ट तो जो इक्वेशन गिवन है इसका स्लोप निकाली है एम वन की वैल्यू तो मुझे पता है एम वन की वैल्यू क्या होगी माइनस ए अपॉन बी तो माइनस ए की वैल्यू टू है तो माइनस टू हो गया बी की वैल्यू थ्री ये आ गया आपका इस लाइन का स्लोप स्लोप आ गया भाई इस लाइन का अब मुझे दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है जो ये लाइन है तो मुझे फार्मूला पता है एम वन इन टू में एम टू इक्वल टू माइनस वन ये फार्मूला लिखा था परपेंडिकुलर लाइन का तो एम टू की वैल्यू आ जाएगी पहले तो एम वन लिखी एम वन माइनस टू अपॉइंट थ्री इन टू में वैल्यू आ गई थ्री बाई टू क्लियर भाई एम वन मैंने निकाल लिया एम का मतलब स्लोप इस लाइन का स्लोप निकाल ला, दूसरी लाइन का भी आ गया से रख पैरेलल देता तो होता अब मेरे पास ये आ गया स्लोप दे दिया और इंटरसेप्ट पॉइंट की है तो मुझे पता है जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने भी आपको बताया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो y इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट कितना है थ्री हो गया भाई इक्वेशन ऑफ लाइन बना लीजिए तो y टू एल सी एम आ गया थ्री एक्स प्लस तीन दूनी अपॉन में दो तो. टू इधर गया टू वाई इक्वल तो भाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है वाई को इधर ले जाओगे सिक्स को इधर ले आओ क्योंकि सिक्स सारे किस में ऑप्शन इक्वल टू के बाद तो माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई तो इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे थ्री एक्स माइनस टू वाई और इसे माइनस सिक्स को इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू इधर कर दी इधर वाली इधर तो इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा न्यूमेरिकल या जीरो तो मेरे पास क्या होगा थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस सिक्स बताइए भाई कोई डाउट देखिए एक इक्वेशन की थी लाइन की दूसरी पूछी थी मैंने क्या किया परपेंडिकुलर लाइन थी एक का स्लोप निकाला एक से दूसरे का स्लोप निकाला इंटरसेप्ट पॉइंट दिया था वहां से मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिया ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये आपने ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी पूछेगा तो स्लोप देगा इंटरसेप्ट देगा तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी है देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमने तो सीधा क्वेश्चन के ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम ज्यादा सीधा फार्मूला याद किए और उससे वैल्यू पूर्ट करके आंसर आ गया बढ़ा जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए एरिया से रिलेटेड आगे भाई तो एक इक्वेशन एक ये गिवन है एट एक्स प्लस थ्री वाई टू फोर्टीन दूसरी क्वेश्चन है टू एक्स प्लस एट इक्वल से बनता है ग्राफ आपका तो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भैया इक्वेशन सबसे पहले तो एक्स अच्छे बन रहा है एरिया आपका ये जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे बेस होगा तो यहाँ कहीं कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा होगा तो इसका एरिया बताना है ऐसे कोई ट्राइंगल बन रहा होगा अब मुझे नहीं पता कैसा बन रहा है क्या पता माइनस वाली साइड जा रहा हो कुछ ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो सबसे पहले तो एट एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर्टीन तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है जब एक्स पे बनेगा तो वाई क्या होगा जीरो होगा y -0 होगा तो एक्स का पॉइंट क्या हो गया 8X की वैल्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी क्लियर भाई वाई की वैल्यू मैंने इसमें रख दी अब ऐसी सेकेंड इक्वेशन में क्योंकि तो जब मुझे पता है ये दो लाइने ये जो दो लाइने हैं जब यहाँ कनेक्ट होंगी तो ये जो पॉइंट है ये जो दो लाइनें आएंगी ये जब पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन का दो लाइन का कोई कॉमन बिंदु वैल्यू तो तो y. तो y जब आप जीरो रखोगे तो एक्स का मान कितना आ गया भाई एक्स का मान आ गया माइनस चार भाई वाई जीरो रखा एट को तो ले गए माइनस एट काटोगे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपने सॉल्व कर होगी मन में तो यहाँ से आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट वाई जीरो रखा दो पॉइंट आगे अब मुझे पता है एक पॉइंट तो होगा एक्स इक्वल टू थ्री वाला तो ये जो फिगर बनेगा ना आपका ये किस तरीके से बनेगा दूसरी जगह यहाँ बना के दिखा देता हूँ मैं जैसे ये जो फिगर बनेगा तो वाई जीरो होगा एक्स तीन होगा जैसे एक दो तीन तो एक तो हो गया थ्री जीरो और एक होगा माइनस फोर एक दो तीन चार ये हो गया माइनस चार और जीरो ठीक है भाई तो ये जो हमारा बेस होगा ना वो ये होगा यहां से यहां तक की कि कितनी है डिस्टेंस सेवन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सेवन ये बन गई भी फिगर तो मुझे यहीं बना देता हूँ फिगर जैसे ये बना है अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपके पास एक पॉइंट आएगा जैसे इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया एट एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर और टू एक्स प्लस एट इक्वल टू वाई तो भाई इस वाई को इधर ले जाओ या तो वाई को मैं यहीं लिख देता हूँ माइनस वाई इक्वल टू माइनस एट वाई को इधर ले गए एट को उदल ले गए तो माइनस में हो गया अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है एक्स को बराबर करने के लिए ऊपर वन से कर दिया नीचे चार से कर दिया तो जब मैंने चार से ऊपर वन से किया तो सेम रहेगा एट एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू चौबीस और जब इसकी चार से करोगे ये कितना आएगा एट एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस बत्तीस तो इसे काट लेते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो प्लस की जगह माइनस का साइन हो गया माइनस का प्लस माइनस का प्लस तो तो ये तो कट गया हमारा भाई ये हमारा कट जाएगा एट एक्स से एट एक्स क्या चार और तीन सात वाई की वैल्यू कितनी है बत्तीस और चौबीस छप्पन सात वाई की वैल्यू छप्पन है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आठ सत्तीस छप्पन वाई की वैल्यू आ गई आठ तो देखिए फिगर में इस फिगर को मैं दोबारा बनाता हूँ जरा तो यहाँ पे ध्यान समझना वाई की वैल्यू आ गई आपकी आप चाहो तो एक्स निकाल सकते थे जैसे ये फिगर है अभी मैंने आपको बताया एक दो तीन यहाँ तीन जीरो यह पॉइंट है माइनस वन टू थ्री फोर ये एक पॉइंट है माइनस फोर और कॉमस जीरो ठीक है और यहाँ पे जो पॉइंट होगा एट ये जो होगा हमारा पॉइंट बनेगा कहाँ पे एट की वैल्यू इधर रखोगे एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई की वैल्यू मैंने एट रखी तो एट से एट गया आठ या चौबीस से चौबीस गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जीरो तो एक्स जीरो वाई एट एक्स जीरो यहाँ है वाई एट का मान यहाँ है तो यहाँ पे कहीं ट्रायंगल बन रहा होगा हमारा इस तरीके से देखिए भाई ट्रायंगल समझ लीजिए कैसे बना तो ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल बनाया हमारा ऐसे ठीक है जो हाइट होगी वाई की वैल्यू कितनी है एट और ये हमारा बेस कितना हो जाएगा सेवन चार पॉइंट इधर तीन पॉइंट इधर सेवन तो बेस आ गया हाइट आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस हाइट बेस में हाइट हाइट की वैल्यू क्या होती है के मान

तो एक पॉइंट को कर जब ये दो को सोल्व करोगे आप, तो तो को यहाँ कहीं रखोगे तो वाई की वैल्यू होगी हाइट हमारी एक्स का हमारा पॉइंट होगा जहां पे बंदी होगी हाइट तो बताइए भाई कोई डाउट इसमें तो वाई की वैल्यू आ गई एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बढ़ा जाएगी ये तो देखिए इक्वेशन वाला हो गया जब तीन कोऑर्डिनेट देगा मतलब तीन पॉइंट दे के, दे दे। मैंने, मैंने के जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था पहला ही क्वेश्चन था तो आज ये देखते नेक्स्ट ये समीकरण एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है वाई जीरो है वाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस बिंदु रेखा में परिबद्ध का क्षेत्रफल बताइए परिवधत यानी वट इज द एरिया ऑफ द रीजन जो बनता है जो रीजन होगा वही बनाना है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है देखिए यहां पे मैं पहले सॉल्व करके चलता हूं टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन तो सबसे पहले तो इसमें मैंने कहा वाई जीरो रखोगे वाई जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी यानी वाई जीरो रखा तो एक्स एक्सिस पर हमारा क्या बन रहा है

तो ऐसे आपकी कोई फिगर बन हो है। होगी दो तीन चार तो ये हो गया 4, 0. पहले x की आती है ये कितना है माइनस थ्री कोमा जीरो पहले एफ सी सा आएगा, फिर ऑर्डिनेट आएगा तो पहले हमारा क्या भुज फिर कोटी x का x पहले y बाद में अब ये आ गया हमारे पास क्या बेस बेस कितना हो गया चार पॉइंट इधर तीन पॉइंट इधर, यूनिट हो गया अब मुझे पता बन हो तो सोल्व करोगे तो जीरो तो हो जाएगा, फोर प्लस वाई टू तो इसे भी हम इधर ले जाते हैं यार माइनस सिक्स बना लेते हैं उधर ले जाके तो ये हो गया माइनस सिक्स अब इसे सॉल्व करना तो ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वन से तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया दो की दो दूनी चार एक्स माइनस तीन दूनी छः वाई माइनस ट्वेल्व वन की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन तो भैया ऊपर वाले में से नीचे आला माइनस करोगे तो प्लस की जगह माइनस का साइन हो गया फोर एक्स से फोर एक्स कट जाएगा मेरे पास फोर एक्स से फोर एक्स कट गया माइनस छः माइनस वाई माइनस सेवन वाई सोलह बारह अट्ठाईस माइनस माइनस से माइनस किया वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर आप चाहो तो यहीं से निकाल सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो देखिए एक्स का वैल्यू भी, भी मैं निकालना बताऊंगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो हाइट होगी सात दो चौदह दो से काट दिए दो एक दो दूनी चार सात दो चौदह अब देखिये एक्स का मान निकालना तो वाई की वैल्यू को मैंने यहां रखा वाई चार रखा सोलह में बारह गया चार तो एक्स की वैल्यू आ गई सोलह में चार गया बारह और चार से जब काटोगे चार तीस बारह एक्स का मान आ गया तीन तो एक्स की वैल्यू तीन है और वाई की वैल्यू चार है तो मैंने मान लिया चौथा पॉइंट मेरा यहां है तो एक्स की तीन और यहां पे चार तो ये आपका जो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा होगा एक्स की वैल्यू तीन वाई की वैल्यू फोर वन टू तो थ्री फोर तो ये जो फिगर बन के आया आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और ये जो होगी ना हमारी ये क्या होगी हाइट ये थर्ड पॉइंट से मिल रहा होगा तो हाइट कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की जो क्या होगी हमारी हाइट हाइट कितनी होगी फोर तो मैंने कहा वाई की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या होगी हाइट बताइए भाई कोई डाउट इसमें तो जितने भी आप बीपीएससी पी के जिसमें मैथ का वेटेज ज्यादा रहता है वहाँ क्वेश्चन मिलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ट्रेंगल ही बनना तो मुझे पता तीन वर्टेक्स हैं तीन लाइन दे रखी है तो क्या बनेगा चार देता तो चार में अलग फिगर बनती तीन में क्या बनना है भाई ट्रेंगल ही बनेगा तो बताइए भाई कोई डाउट

प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट एक ये है और दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स प्लस वाई टू थ्री तो सेम अभी मैंने बताया एक्स एक्स पर कब बनेगा y इक्वल टू जीरो होगा वाई इक्वल टू जीरो y की वैल्यू जीरो रख दी तो एक्स के पॉइंट आ गए y जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू एक्स की वैल्यू सिक्स बारह तो x की वैल्यू आ गई सिक्स y जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बताइए भाई अब मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ तो x की वैल्यू थ्री है वन टू थ्री यार x सिक्स तक जा रहा है तो मैं छोटी सी ऐसे बनाता हूँ फिगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो हो गया सिक्स जीरो और ये हो गया थ्री जीरो देखिए मैं बताता हूँ दो ट्राइंगल के मैंने दो पॉइंट तो निकाल लिए ट्राइंगल के दो पॉइंट निकाल लिए एक ये है थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये मुझे पता चला ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास अब ट्राइंगल कहीं ऊपर बनना होगा या नीचे बनना होगा दोनों को जब सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वहां पे हमने पॉइंट फिट कर देने और वाई की वैल्यू क्या होगी हाइट तो मैंने सीधा दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया आप तो तो x plus y equal to 3. तो जब cross multi, multi, मतलब इसमें कर देते हैं हैं करेंगे का कर मान निकालेंगे, तब linear equation लगाते ऊपर की की, नीचे की. जब मैंने मल्टीप्लाई की वन की अंदर तो सेम वैल्यू रहेगी टू एक्स प्लस टू ट्वेल्व और जब टू की मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स प्लस टू वाई तीन दोनों छः, तो भाई ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करनी है तो नीचे माइनस का लगा दिया। तो टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा वाई का मान आ जाएगा मेरे पास एक्स बराबर रखना है, आपने ये वन और टू तो दो हमारी क्या हो जाएगी हाइट क्लियर भाई ट्राइंगल की तो हाइट आ गई आप लीजिए वाई आ गया तो वाई को अगर मैं इसमें रखता हूँ वाई दो है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा वन तो जो तीसरा वर्टेक्स एक्स बनता होगा वाई का मान आ आ

तो बेस भैया क्या है बेस क्या है यहां से यहाँ तक ती, तीन से छ पॉइंट तक गया हाफ इंटू बेस तो हो गया तीन हाइट कितनी है दो तो दो से दो काट दिया आंसर कितना गया यूनिट स्क्वायर कौन सा ऑप्शन होगा ए तो इस तरीके से आपने एरिया ऑफ निकालना है भाई कोई डाउट हो इसमें देखिए मेहनत कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पे तो आपका उम्मीद करते हैं कहीं है एग्जाम में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं सीएचएसएल में भी आ जाते हैं एक दो तो, एमटीएस में भी देखने को मिल सकता है तो आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आगे भी हम बढ़ेंगे और चैप्टर को कराएंगे रेलवे में सबसे ज्यादा आता है जैसे आ जाता है दो क्वेश्चन का एक रहता है प्रोबेबिलिटी का आते हैं दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस तरीके से रहता है वेटेज मतलब एक क्वेश्चन फिक्स रहता है रेलवे में कॉर्डिनेट प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक्स चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं तीन लाइन चार लाइन दे दी भाई एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन चार लाइनें दे दी कुछ ना कुछ चार लाइनों वाली फिगर तो होगी देखिए पता कैसे चला मेरे को चाल नहीं, नहीं। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखा हो थ्री एक्स प्लस से बनता है तो मैं x0 एक बार वाई तो कोई जीरो ना कोई फिगर बनेगा तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिखा थ्री एक्स प्लस फोर वाई करना कैसे ऐसे क्वेश्चन को जब फोर वाली बनेगी इक्वल टू ट्वेल्व तो एक बार एक्स जीरो दे रखा है वाई जीरो दे रखा है अभी तक मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको कैसे तो वो x एक्सिस पर हो रहा था या y एक्सिस पर हो रहा था x एक्सिस पर होता है तो y जीरो होता है वाई एक्सिस पर होता है तो एक्स जीरो मैंने शुरुआत किया तो पहला या दूसरा क्वेश्चन कहा था जहां कट हो रहा था कटिंग x एक्सिस होता है तो y जीरो होता है y एक्सिस पर कटिंग हो तो x जीरो होगा तो यहाँ पे मुझे एक्स जीरो वाई जीरो दो लाइने दे रखी है जब फिगर बनेगा ना हमारा तो उसमें क्या होगा एक्स एक्सिस भी इंक्लूड होगा वाई एक्सिस भी तो एक बार एक्स जीरो रख दिया एक बार वाई जीरो रख दिया जब एक्स जीरो रखोगे तो वाई का मान चार थी या बारह जब वाई जीरो रखोगे एक्स का मान चार ऐसी मैंने दूसरी इक्वेशन ली सिक्स एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू सिक्सटी तो भाई सेम वही तरीका एक बार मैंने एक्स को जीरो रखा एक बार वाई को जीरो रखा एक्स वाई क्लियर एक्स जीरो रखोगे तो एट वाई की वैल्यू कितनी है एट वाई की वैल्यू सिक्सटी है तो आ चार से काटा पंद्रह बटे दो हो गया पंद्रह बटे दो को हम क्या लिख सकते हैं साढ़े सात जब वाई जीरो रखा तो एक्स का मान आ गया दस तो जब मैं फिगर बनाऊंगा ना इस तरीके से जाएगा तो x जीरो होगा वाई थ्री होगा यार y भी ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाता हूं मैं देखिए किस तरीके से फिगर बनाता हूं मैं सारे पॉजिटिव में है तो मुझे पता है x जीरो y थ्री वन टू थ्री x जीरो y थ्री एक पॉइंट ये आ गया x फोर y जीरो वन टू थ्री फोर फोर जीरो हो गया एक लाइन का दूसरी लाइन पर आ गए एक्स y वाई साढ़े सात चार पांच, छ सात आठ तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा x 0, वाई साढ़े सात क्लियर भाई तो आपने ये ध्यान रखना है और चौथा पॉइंट x दस पांच, छ सात आठ नौ दस तो ये हो गया दस और जीरो अब देखिए कैसे बना फिगर ये उसने कहा एक तो हमारा क्या है एक्सिस आपने चार पॉइंट निकाल इनसे एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया हमारा साढ़े सात से ये अब इसे जोड़ दीजिए <coughs> ये जो फिगर बना है ना इसका एरिया बनाना है आपने एरिया बताना अब इस फिगर का एरिया कैसे बताते हैं वो ध्यान समझना जरा देखिए बहुत सिंपल है अगर मैं देखूं

यहाँ से यहां तक क्या है हाइट और यहां से यहां तक कितनी साढ़े सात हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है लार्जर ट्राइंगल का एरिया वन बाई टू बेस कितना है दस हाइट है साढ़े सात दस गुणा में साढ़े सात तो पिछहत्तर बटे दो ये कितना हो जाएगा साढ़े सैतीस यूनिट स्क्वायर ये आ गया भाई अगर वो पूछता बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना होता है साढ़े सैंतीस यूनिट स्क्वायर छोटे ट्राइंगल की बात करें स्मॉल ट्राइंगल का एरिया स्मॉल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इन टू में हाइट तीन है बेस चार चार गुणा में तीन चार बारह छह यूनिट आ गया तो शेडेड एरिया आपके पास कितना आ जाएगा शेडेड एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए ऐसे दे देगा क्वेश्चन शेडेड एरिया शेडेड एरिया आपने कैसे निकालना है भाई बड़े ट्राइंगल में से साढ़े सैतीस में से यूनिट माइनस कर दोगे तो कि कितना इकतीस पॉइंट पांच यूनिट स्क्वायर इकतीस पॉइंट पांच बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा बताइए भाई कोई डाउट तो इस तरीके से आपने करनी है शेड एरिया पूछ बना है उसने कहा इस फिगर का एरिया बताना है ये तो कहा था क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई लाइन्स लाइन के द्वारा बाउंडेड एरिया वो बताना है एक लाइन ये हो गई दो ये हो गई तीसरी हो गई चार ये हो गई चार लाइन बनी है मैंने कहा था चार लाइन बनती ये एक लाइन दूसरी लाइन ये देखिए एक लाइन ये बन गई एक लाइन हमारी ये बन गई दो एक एक्स एक्सिस से एक वाई एक्सिस तो चार लाइन बनी थी यहां से हमने एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन निकाल दिया वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर है मैंने आपको बताया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाईक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो एम जो होता है वो हमारा क्या होता है स्लोप एम क्या होता है स्लोप तो ये इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर तो भाई जो रूट थ्री है ना ये किसकी वैल्यू है हमारे पास स्लोप की तो एम इक्वल टू टेन थीटा लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में स्लोप को हम क्या मानते हैं एम और स्लोप का जो ढाल होता है मतलब स्लोप को ढाल ही कहते हैं ढलान जो होता है वो किसके बराबर टेन थीटा के थीटा कोई वैल्यू होती है तो यहां पे स्लोप कितना दिया मुझे रूट थ्री और रूट थ्री कहां होता है भाई टेन सिक्सटी पे तो टेन सिक्सटी किसके बराबर है टेन थीटा के मुझे रूट थ्री की ऐसी वैल्यू डालनी जो टेन के इक्वल हो मतलब टेन के थर्टी ओ सिक्सटी ओ ऐसी देता है थर्टी देगा सिक्सटी देगा फोर्टी फाइव देगा इसके अलावा वैल्यू नहीं देता अब टेन से टेन कट जाएगा थीटा का मान कितना आ गया भाई सिक्सटी डिग्री ठीटा ही तो पूछा था उसने तो देखिए लास्ट ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में किसी टीचिंग एग्जाम में आ रखा है तो हमारा क्या होगा आंसर डी ऑप्शन बताइए भाई कोई डाउट इसमें बढ़ा जाएगी बताइए भाई एग्जाम आरपीएफ की वैकेंसी भी आ गई है तो आप सब बच्चों ने भाई तैयारी करनी है आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है आगे चल के यूपी कांस्टेबल होगा फिर यूपीएसआई आएगा तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हाँ भाई एग्जाम लगातार लगे हुए हैं दो हजार चौबीस पच्चीस में तो अच्छे से तैयारी करोगे दो हजार पच्चीस में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम देखिये भाई उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष के साथ डेढ़ सौ डिग्री का कोण बनाता है और वाई अक्ष पर माइनस एस माइनस फाइव इकाई का अंतःखंड बनाती है तो भाई इस बार हमें थीटा कितना दिया है 150 डिग्री जो स्लोप होगा ना एम की वैल्यू क्या होगी टेन 150 डिग्री तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड में तो इसकी एम की वैल्यू निकाल देंगे हम एम की वैल्यू कितनी आएगी टेन 150 है

और सेक पॉजिटिव तो यहाँ पे हमारे की बात हो रही है। आ गया आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट दे रखा है तो फार्मूला भी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में वाई टू एम एक्स प्लस सी तो वाई लिख दिया एम की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री एक्स लिख दिया इंटरसेप्ट कितनी है वैल्यू माइनस फाइव इसे सॉल्व कर दोगे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी तो भैया रूट थ्री की इधर मल्टीप्लाई करूंगा पहले माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये तो माइनस रूट थ्री फाइव रूट थ्री हो जाएगा ना फाइव से जब मल्टीप्लाई करोगे और इधर की की मल्टीप्लाई तो भाई एक्स वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए तो को इधर ले आए ये सारी इक्वल टू जीरो दे रखे लास्ट में तो मैं सारी वैल्यू को इधर ले आता हूँ जीरो के बराबर रख दूंगा तो एक्स प्लस रूट थ्री वाई ये इधर जाएगा माइनस का उधर प्लस हो जाएगा फाइव रूट थ्री क्वल टू जीरो लीजिए भाई कौन सी इक्वेशन है एक्स प्लस रूट थ्री वाई एक्स प्लस रूट थ्री वाई तीनों में है देखिए और आगे क्या है फाइव रूट थ्री सिर्फ यही ऑप्शन मिल रहा है ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बताइए भाई कोई डाउट बढ़ा जाए आगे एक बार देखिए समझिए पिछले क्वेश्चन में थीटा निकालना था या थीटा की बनता है इक्वेशन निकालनी है पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन की बनती ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बनता पिछले क्वेश्चन में ये आपने ध्यान रखना है

ये तो होता है स्लोप का और इक्वेशन निकालनी है तो x माइनस ये वाई माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन यानी एक x और y की वैल्यू लेते हैं और उसमें से y1 वन माइनस करते हैं y में से और x में से x1 और एक स्लोप वाली y2 टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन तो वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं जब दो पॉइंट देगा दो कोऑर्डिनेट देगा तब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन है इसी इक्वेशन और बत, लाइन बतानी है हमें एक पॉइंट है अरे यार ये तो सिंपल है इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया क्या एक मिनट नहीं ये तो सिंपल ही है यार स्लोप वाला ये तो सिंपल बन जाएगा ये आप अभी आगे आएगा फार्मूला इस क्वेश्चन में बेस तो हमें अभी मैंने बताया y इक्वल टू एम प्लस सी है <coughs> अच्छा ये इसी में तो लगेगा देखिए भाई ध्यान से एक बार इक्वेशन बतानी है लाइन की एक पॉइंट से पास होके जा रही है जिसका स्लोप जैसे ये लाइन है इसका स्लोप कितना है भाई पांच और एक पॉइंट है मैंने मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट कितना है है इससे पास जा रही आपने इक्वेशन बतानी है तो अभी मैंने इसकी वैल्यू बताई ये इक्वेशन का फार्मूला है हमारा तो ये स्लोप है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कितना है फाइव और यहाँ y माइनस वाई वन कितना है आपका सेवन एक्स माइनस एक्स वन कितना है टू सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा देखिए फार्मूला यही है ये आपने ध्यान रखना है जब दो कोऑर्डिनेट दे या एक स्लोप एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दे तब आपने इस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन को फार्मूले को यूज करके इक्वेशन बना देनी है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन ये फार्मूला आपने याद रखना है सॉल्व किया ये आगे फाइव एक्स पांच दो दस वाई माइनस सेवन तो भाई वाई वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं सारी वैल्यू एक तरफ ले जाता हूँ तो तो इस फॉर्म में दे रखिये थ्री टू पार दे रखा है तो फाइव एक्स माइनस वाई कौन सा है देखिए पेपर में दो देगा या ये देगा या ये देगा तो कौन सी वाली दे रखी है हमें फाइव एक्स माइनस वाई माइनस थ्री कई बार भाई इक्वल टू इधर उधर वैल्यू करके देख लिया कीजिए जिससे आपका आंसर आ जाए मेरे को पता है कि भाई ये नहीं दे रहा कि ये दिएगा ये नहीं देगा तो ये ली देगा बताइए भाई बढ़ा जाए आगे ये आपने इंपॉर्टेंट लिख लीजिए फार्मूले पे क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है नहीं भी आएगा तो फार्मूला याद होना चाहिए भाई नहीं आएगा तो फायदा ही आपका लेकिन फार्मूला अगर याद होगा आ गया क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स है हमारे। सीधा पुट करके निकाल देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छा है। एक्स है। एक चौबीस से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी भाई देखिए लंब बना रहे है दो एक क्वेश्चन दो हैं दो लाइनें ऐसे काट रही है रही है परपेंडिकुलर है अब मुझे ये दे रखे ये पॉइंट और क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है दो जैसे इस लाइन के दो पॉइंट दे दिए इस लाइन के दो पॉइंट दे दिए और मुझे पता है जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो स्लोप क्या होता है एम वन इन टू में M2 1. ये था मैंने लास्ट क्लास में अब देखिए स्लोप निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर यह भी लिखवाया था मैंने तो दोनों दो वैल्यू से हम निकाल लेते हैं जैसे ये एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया ये एक्स टू हो गया ये वाई टू हो गया तो आठ वाई टू है और छाई वन है तो एट माइनस सिक्स अपॉन में ये एक्स, टू है, ये एक्स वन है फोर माइनस आगे है माइनस टू ये हो गया हमारा एम वन अब बात होती है एम टू की तो एम टू की बात हो रही है तो दूसरी दूसरी लाइन पाएंगे दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आठ बारह और एक्स चौबीस तो वाई टू क्या है हमारे पास चौबीस तो वाई वन है बारह तो चौबीस माइनस बारह अपॉन में ये एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन इसे सॉल्व करना था आपने तो देखिए आठ में से छह गया दो माइनस माइनस प्लस चार और दो छ इन टू में चौबीस में से बारह गया बारह एक्स माइनस आठ इक्वल है माइनस वन की तो भाई जब मैं सॉल्व करूंगा कट रही है वैल्यू काट लेते हैं छम छे छोनी बारह दो दूनी चार तो चार एक्स माइनस एट की इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एट वन जा एट तो भाई एक्स की वैल्यू इधर लिया आया पॉजिटिव होगी चार को उधर ले आठ में से चार गया कितना आ गया चार तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर बताइए भाई कोई डाउट इसमें बताइए भाई बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए उस रेखा का समीकरण याद करें देख लीजिए भाई एक बार इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन था करवा रखा है बस इसमें एक्स की वैल्यू पूछ ली इसमें देखिए उस रेखा का समीकरण याद करें दो तीन और उस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरता है जिसके अंत बिंदु चार नौ छः पांच है देखिए इसको अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो इजी है कह रहा उस रेखा का समीकरण बताना है ये जो रेखा है ना इसका समीकरण बताना है इसके एक पॉइंट है दो तीन और उस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरता है एक रेखा है भाई गुजर रहा है इसके मिड पॉइंट है ये और ये कितने है पॉइंट चार नो छ चार नो और ये है छ पांच ये मिड पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये हम निकाल सकते इसे मैंने मान लिया एक्स वाई ये क्या मान लिया एक्स वाई अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है किस लाइन की इक्वेशन इस लाइन की अब देखिए निकालोगे कैसे कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई करें कैसे क्वेश्चन को आपको सीधे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दो तीन और उस रेखा के मध्य बिंदु उस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरता है जिसके अंत बिंदु ये है अंत बिंदु ये, है। अंत ये है। उसके मध्य बिंदु से गुजर रही है वो रेखा इसकी इक्वेशन बतानी है आपसे यही पॉइंट पूछ लेता तब तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा था देखिए इस बार क्या किया मिड पॉइंट को भी जोड़ दिया और इक्वेशन को भी जोड़ दिया करना कैसे वो समझिए अब अब ये मिड पॉइंट का है तो एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास छ प्लस चार अपाउंट में दो और वाई की वैल्यू आ जाएगी नौ प्लस पांच अपाउं में दो तो भाई ये कितना आ गया एक्स की वैल्यू आ गई छः चार दस दस बटे दो कितना पांच और वाई की वैल्यू आ जाएगी नौ पांच चौदह बटे दो सात तो ये आ गई एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास अब देखिए हमारे से पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन अभी मैंने पिछली में फार्मूला लिखवाया था आपको इक्वल टू ये फार्मुली फार्मुली था, दे, लिख के के क्लियर अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करनी थी आपने दो कोऑर्डिनेट दे रखे एक कोऑर्डिनेट ये रहा कोऑर्डिनेट एस वाई हमने निकाल दिया इसमें आपका आंसर आ जाएगा तो मैंने पुट किया सबसे पहले y2 टू माइनस वाई वन यानी सात में से तीन गया सेवन माइनस थ्री अपॉन में फाइव माइनस टू वाई माइनस वाई वन कितना है थ्री एक्स माइनस टू इसे सॉल्व किया सात में से तीन गया चार पांच में से दो गया तीन वाई माइनस थ्री और एक्स माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी फोर एक्स माइनस एट थ्री वाई माइनस नाइन तो थ्री वाई को उधर ले गए फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट को उधर ले जाएंगे कितना हो माइनस एट को उधर ले गए तो ना माइनस नाइन प्लस एट कितना होगा माइनस वन तो ये आपकी इक्वेशन बन गई और इसी फॉर्म में दे रखा है इक्वल टू जीरो नहीं दिया है तो मैंने देखा फोर एक्स माइनस थ्री वाई ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा फोर एक्स माइनस थ्री वाई एक ही दे रखा है ये भी नहीं होगा इक्वल टू माइनस वन बताइए भाई कोई डाउट इसमें जब दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तब ये फार्मूला यूज होगा हमारा और इसमें क्या ऐड कर दिया मिड पॉइंट दे दिया तो दो क्वेश्चन का मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया इसने बताइए भाई कोई डाउट जाए आगे देखिए क्वेश्चन अच्छे लास्ट ईयर एग्जाम में अगर देखोगे आप टीचिंग का जो होता है ना टीजीटी का उस एग्जाम में टीजीटी हुआ या टू याट हुआ जूनियर बिहार विहार के या आप कह लीजिए यूपी में तो कोई एग्जाम हुआ नहीं जिसमें कोऑर्डिनेट आए और एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट आता है

क्वेश्चन में देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है जिसके बाई सेक्टर जैसे एक लाइन है इसके अगर परपेंडिकुलर बाईस खींचूंगा मैं तो ये क्या करेगा दो बराबर में बांटेगा बाईस का मतलब होता है दो बराबर में बांटना जैसे एंगल बाई सेक्टर होता है तो कोण को दो बराबर में बांटता है परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को दो बराबर में बांटेगा बांट दिया भाई उसने अब उसने कहा जो पॉइंट है ये वन वन और ये थ्री फाइव ये पॉइंट है इक्वेशन बतानी है इस लाइन की जो बाइसेक्टर है

One, X1 X2 2, 1 3 2, कितना हो गया फोर अपॉन्ट टू टू आ जाएगा अब ऐसी वाई पे गए वाई वन प्लस टू कितना थ्री वन प्लस कितना हो जाएगा थ्री एक्स की वैल्यू टू आ गई वाई की वैल्यू थ्री आ गई अब मुझे पता है स्लोप भी निकाल सकते हैं इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया एम वन तो एम वन की वैल्यू आ गई वाई टू माइनस वाई वन फॉर्मुला लिख देते हैं वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर भाई अब देखिए फाइव में से बन गया और थ्री में से बन गया फाइव में से बन गया फोर थ्री में से बन गया टू तो स्लोप कितना गया? फोर टू को काटा गया टू स्लोप आ गया कोऑर्डिनेट आ गए अब मैंने बताया आपको अभी फार्मूला बताया था मैंने जैसे ये क्या दे रखा है हमें स्लोप आ गया और पॉइंट दे रखे हैं इक्वेशन निकालनी थी इन पॉइंट को नाम दे दिया मैंने या वो फार्मूला मैंने आपको बताया था y2 टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन तो मैंने बताया था ये जो वैल्यू है ना इसको हम किसके बराबर रखते हैं m के इस वैल्यू को m के बराबर रखते हैं ये स्लोपी तो है तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया देखिए m की वैल्यू दो है y माइनस वाई वन कितना थ्री एक्स माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई माइनस थ्री तो इसे इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री को इधर ले गए कितना होगा प्लस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो कहाँ गड़बड़ होगी भाई दो दो चार वाई माइनस थ्री दो और तीन समद्विभाजक अरे यार परपेंडिकुलर दे रखा है ना लंबा है तो एम टू भी तो निकालना पड़ेगा ना एम टू को रखोगे ना इधर तो ये हमारा साथ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जरा एक बार देख लेते हैं इसमें यार क्वेश्चन कितने मर्ज कर दिए देखिए तीन क्वेश्चन मर्ज कर दिए पहला क्वेश्चन क्या किया मिड पॉइंट निकाला दूसरे में स्लोप निकालोगे ना एक का स्लोप निकाला दूसरे का स्लोप परपेंडिकुलर में देखिए यहाँ गड़बड़ हुई हमारे से एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं दोबारा से आपको देखिए भाई स्लोप आ गया परपेंडिकुलर लाइन थी कैसी लाइन है पर्पेंडिकुलर। तो तो में m1 m1 m2 m2 क्या होता है वन। तो m1 की वैल्यू टू है, m2 की 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 कितनी आ m2 की वैल्यू आ वन टू। ये आ जाएगी? ये ये गया गया, हमारे पास अभी मैंने आपको बताया M equal to y minus Y1 और इसमें रख दो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी और एक मैंने बताया था जब इंटरसेप्ट पॉइंट देगा तो y इक्वल टू mx प्लस c लगाना है तो यहाँ पे मुझे पता है स्लोप कितना है माइनस 1 बाई 2 और y माइनस y 1 कितना है <coughs> 3 x माइनस x 1 कितना है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कितना आ गया ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 ये आ गया 2Y, तीन तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक, एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि सब में एक्स वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव तो एक्स को उधर ले गए और सबको उधर ले गए जीरो एक्स प्लस और इस माइनस टू एक, तो को ले जाओगे इधर या उधर लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे पता है एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई यहाँ भी है और यहां भी है आगे क्या है माइनस एट तो माइनस एट ये नहीं है आंसर क्या होगा वीड्डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा तो देखिए दो तीन चीजें हैं जो स्लोप में याद रखें आपको पहले मैंने

प्रतिच्छेदन बिंदु से जोड़ने वाली सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करें जैसे सपोज कीजिए ग्राफ बनता है है ना हमारा मूल मूल बिंदु से बात हो रही बिंदु मतलब ओरिजन जैसे ये है ये ओरिजन है जीरो जीरो अब उसने एक दो लाइनें हैं इनका कोई प्रतिच्छेदित बिंदु है ये दो लाइनें हैं इनका कोई ऐसे मिल रहा होगा प्रतिच्छेदित बिंदु तो लीनियर इक्वेशन का लगाएंगे हम फार्मूला क्या होता है वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा वाई प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस और माइनस पहले में से दूसरी वाली माइनस करोगे तो वाई में से वाई कट गया ये कितना आ गया? एक्स, प्लस दो नो इक्वल टू जीरो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री एक्स उधर लेगा थ्री एक्स इक्वल टू नाइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री एक्स की थ्री आ गई तो वाई में जब पुट करोगे एक्स की थ्री इसमें पुट कर दोगे तो सात में से तीन गया चार वाई उधर जाएगा तो माइनस चार एक तीन आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई -4 अब देखिए यहां कोई पॉइंट होगा x 3 कहां आएगा पॉजिटिव का यहां पे और यहां पे 3 और -4 कोई पॉइंट होगा ऐसे ये पॉइंट है ठीक है इसकी क्या बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो पॉइंट देगा तब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको नहीं बताया फार्मूला निकालने का एक क्या होता है फार्मूला y2 y1 अपॉन में x2 x1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन ये था फार्मूला आपका अब जब आपके पास दो पॉइंट हो गए हैं तो आप निकाल सकते हो इसमें रखें तो मैंने इसमें वैल्यू रूप में रखा देखिए क्या करना था आपने वाई टू कितना है वाई टू है माइनस चार माइनस चार रखा और आगे जीरो तीन है माइनस जीरो वाई माइनस जीरो और x माइनस जीरो जब सॉल्व करोगे एक्स की इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस चार एक्स जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इधर ले जाओगे तो क्या करना है, है. तो एक्स वाली पॉजिटिव बना देता हूँ तो मैंने बनाया इधर फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो जीरो रह गया इधर माइनस फोर एक्स इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा <coughs> ये कितना हो गया फोर एक्स प्लस थ्री वाई फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो भाई कोई डाउट इसमें अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था उसने दो लाइन है उसका कोई प्रतिच्छेदित बिंदु है अब सपोज कीजिए यहां से वो दो लाइनें जा रही होंगी ऐसे इसका प्रतिच्छेदित बिंदु मूल बिंदु से इक्वेशन क्या होगी उस वो हमारे से डिस्टेंस कुछ ही पूछ सकता जैसे डिस्टेंस पूछ लेता और डिस्टेंस ही पूछ सकता मैंने बताया था आपको अंडरवुड में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस

दो में सरल रेखा टीचिंग का एग्जाम में आया हुआ था सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया अक्ष की धनात्मक दिशा में अल्फा का कोण बनाता है यह लंबाई का है तो सरल रेखा का समीकरण याद करें अब देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं फिगर कैसे बनता है इसका जैसे हमारा ग्राफ है उसने कहा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में अल्फा का कोण बनाता, तो तो बनाता है पी की लंबाई पर सरल रेखा से मूल बिंदु पर डाला गया ये एक सरल रेखा है आपकी ये सरल रेखा मैंने मान ली ए बी ये सरल रेखा मान ली मैंने ए बी इससे मूल बिंदु से ओरिजन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच जाती है जिसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है कितनी पी सेंटीमीटर मान ली मैंने या पी यूनिट मान ली ठीक है और वाई एक्स की तरफ वाई की तरफ ये कोण कितना बनाता है हा? अल्फा डिग्री का कोण बनाता है कितने डिग्री का अल्फा डिग्री का देखिए x एक्सिस भी दे सकता था y एक्सिस मैं दोनों के फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ जब भी अगर आपकी y एक्सिस की बात होगी y एक्सिस पर कोण बनाएगा जब भी आपका किस पे बनाएगा y एक्सिस पर कोण बनाएगा और यहाँ x एक्सिस दोनों का मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है जब इसकी बात होगी तो x sin α y cos α p और जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स के साथ आएगा पहले कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइंगल्फावल टू पी अब देखिए क्या पूछा था इसने वाई, वाई एक्स की बात कर रहा है तो अल्फा। अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू पी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन तो आपने ध्यान रखना है जब वाई एक्सिस पूछेगा हमारे से तब हमने इसका यूज करना है एक्स अल्फा यानी पूछेगा तो एक्स साइन से स्टार्ट करना है और जब हमारे से एक्स एक्सिस पर पूछेगा तो एक्स अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा टू पी भाई दोनों लिखवा दी इसी पे बेसिक एग्जांपल लिया है एक्सिस का तो आपको आ गया सीधा तो फिगर आपको समझ में आ गया कि एक लाइन से मूल बिंदु पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया जिसकी लंबाई पी है और थीटा कितना बना रहा है अल्फा बधे भाई कोई डाउट बढ़ा जाए आगे भाई देखिए कोऑर्डिनेट क्लास चल रही है कोऑर्डिनेट जीमेट्री की जो आपके टीचिंग एग्जाम में टीजीटी पीजीटी या सी एच एस एल एम टी एस एक आधा क्वेश्चन रहता है सी एच एस एम टी एस में सी एच एस एल के लिए तो देखिए जो मैंने पिछली दो क्लासें कराई है वो सफिशियंट है ये टीचिंग एग्जाम में लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है जैसे बीपीएससी की अगर हम बात करें या आपका केवीएस की बात करें तो उसमें आए हुए क्वेश्चन नहीं है बढ़ा जाए आगे तो देखिए इसी पे बेस एक एग्जाम्पल रेखा ए बी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप चार इकाई है रेखा ए बी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप चार इकाई है लंब का घन अक्ष से झुकाव 45 डिग्री है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें देखिए अभी मैंने लिखवाया एक्स अक्ष की बात हो रही है एक्स एक्सिस की तो जब एक्स पहले तो फिगर बना, बताना बता देता तो हूं मैं कैसे बनता है फिगर जैसे ये है ये हमारा बनाता है एक्स एक्सिस यहां होता है और वाई एक्सिस ऊपर होता है

अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर जब कोण बनाएगा ये अल्फा डिग्री का जो कोण बनाया एक्स एक्सिस पर तब फार्मूला क्या होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी वैसे पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर ही बनेगा ऊपर ही बना के बता देता हूँ क्योंकि देखिए पॉजिटिव वैल्यू है देख लीजिए भाई एक बार फिर से थोड़ा सा स्पेस लेके चलना पड़ेगा हमें ये एक सरल देखा है ए बी ठीक है इस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है मूल बिंदु से ये तो कह रहा था ए बी एक सरल देखा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कितनी है चार ये जो पी है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है चार लम्ब का घन एक्स से झुकाव 45 डिग्री है x एक्सिस की बात हो रही है ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री आप वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा इक्वेशन बन जाएगी आपकी तो x अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी फोर्टी फाइव प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू कितनी इक्वल टू पी का मान कितना है 4. तो 45, 45, अगर आपने पढ़ा तो रहता है। कितना टू फोर तो रूट टू हमारा एल सी एम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा फोर एक्स प्लस वाई की इधर मल्टीप्लाई होगी ये आपकी इक्वेशन समीकरण पूछा था तो हमने समीकरण का पिछली ये लिखवा रखा है एक्स पे ये होता है एक्सिस पे ये होता है और मैंने इसी पे बेस एक एग्जाम्पल लिया यहां पे क्या कह रहा था एक्स एक्सिस की बात करा तो मैंने सीधा फार्मूले में वैल्यू रखी और आंसर आ गया पी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू देगा वहां से आपने क्वेश्चन निकालने

एम पैल होगा एन के और देख लेते हैं भाई देखिए तीन लाइनें मैंने पढ़ाई थी कोइंसिडेंट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैल लाइंस डिस्टेंस कैसे निकलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमारी कट जाती है तो इसमें तो निकाल ही नहीं सकते को इंसिडेंट लाइन संपाती रेखाएं होती हैं बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं उसे संपाति रेखाएं कहते हैं तो भाई वहां तो हमारा नहीं बनेगा सिर्फ किस पे निकलता है ये परपेंडिकुलर लाइंस पे ये पैरेलल लाइंस पे तो इस लाइन की इक्वेशन दी है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो देखिए जब पेलर लाइन्स दी है में जब मैंने आपको पढ़ाया था पैरेलल लाइंस तब वहां मैंने आपको बताया था ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो कौन सी लाइन है पता चल जाएगा ए वन अपॉन ए टू थ्री अपॉन थ्री फोर अपॉन फोर वन हो गया और ये नॉट इक्वल टू आएगा तीसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन उसमें ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू था अब देखिए भाई यहां पे जब डिस्टेंस निकालना होगा तब आपका फार्मूला होगा सी वन माइनस सी टू प्लस चौदह इक्वल टू जीरो प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो पता है ये किसमें टू जीरो के फॉर्म में तो ये सी वन है चौदह c2 कितना है चार चौदह में से चार गया दस आप डायरेक्ट लिख लीजिए

देखिए जब भी दो आपको इक्वेशन देगा और आपसे डिस्टेंस पूछेगा दोनों का तो फार्मूला कौन सा लगेगा पहले लाइन्स में वाला देखिए जब भी आपको डिस्टेंस पूछेगा ना हमेशा पहले लाइन्स में क्यों पूछेगा और कोई देखा होगी तो अब आप डिस्टेंस निकाल नहीं सकते अगर टेढ़ी मेढ़ी देखा होगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते जब पहले लाइन होंगी तभी पॉसिबल है कि मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा चलिए पढ़ा जाए आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा गौशन आया बहुत बच्चों ने छोड़ा था वो गलत किया था सबसे पहले तो इसके लिए एंगल पता होना चाहिए जिमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट किया इसने राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल नब्बे डिग्री का हो संभाव त्रिभुज जिसकी सभी साइड सभी एंगल बराबर हो ट्रायंगल जिसके दो एंगल बराबर हो मोर देन वन बाकी तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं राइट right एंगल क्या होता है एक एंगल नब्बे एंगल एंगल, एंगल दो एंगल इक्वल होंगे एक अनुअल होगा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था द कोऑर्डिनेट्स दर्डिनेट्स ऑफ्री पॉइंट एबीसी रिस्पेक्टिवली बी सी इज ट्राइंगल कैसा है ए बी सी देखिए ये ट्राइंगल है इसके तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं ए बी और सी ये क्या है ए अपॉन में रूट थ्री और ये थ्री ए बी के हैं टू ए अपॉन में रूट थ्री और टू ए ये है ए अपॉन में रूट थ्री और ए अब इसे हम कह सकते हैं एक्स वन एक्स टू इसे एक्स वन वाई वन इसे एक्स टू वाई टू इसे एक्स थ्री वाई थ्री इस तरीके से बोल सकते हैं अब आपने डिस्टेंस निकालना है तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं जैसे डिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया भी था इसे मैंने मान लिया एक्स वन वाई वन और इसे मान लिया एक्स टू वाई टू और इसे मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री बताइए कोई डाउट इसमें अब डिस्टेंस निकालना था तो मेरे को ए बी का जब डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का डिस्टेंस निकाला फार्मूला मैंने बताया था वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो भाई यहां पे देखिए y2 कितना है 2a y1 है ए तो 2a ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 2a अपॉन में रूट थ्री माइनस ए अपॉन में रूट थ्री का होल स्क्वायर क्लियर भाई इसे सॉल्व करना थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा नेक्स्ट पे हमें जाना पड़ेगा कोशिश करेंगे यहीं बना दें सब थोड़ा सा इक्वेशन को यहीं सॉल्व करते हैं 2a में से a क्या a a का स्क्वायर रूट थ्री एलसी में से अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर ए लाओगे तो ये कितना हो जाएगा में ये आ गया आपका ए बी का डिस्टेंस अब बात करते हैं bc की bc का जब निकालना है तो वही सेम फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ये कितना है थ्री ए और ये कितना है टू ए तो थ्री ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना है ए अपॉन रूट थ्री और ये कितना है माइनस टू ए अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर जब आप माइनस का स्क्वायर करते हो ना तो प्लस में वैल्यू आती है अब देखिए थ्री ए में से टू ए गया ए ए स्क्वायर हो गया प्लस एल्शियम कितना आएगा रूट थ्री तो ए में से टू ए जाएगा माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर

CMA, Y2 -Y1 का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्स ए अपॉन रूट थ्री का ये तो सीधा -सीधा जीरो बन गया हमारा तो थ्री ए में से टू ए गया थ्री ए में से ए टू ए का स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया कितना टू ए एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई एक साइड देखिए ये साइड कितनी आई है हमारी टू ए अपॉन में रूट थ्री ये आई है ये टू ए अपॉन में रूट थ्री और ये आई है ये हमारी कितनी टू ए तो यहाँ पे मुझे पता चला दो साइड इक्वल है एक अन एकवल साइड है तो कौन सा होता है भाई कौन सा ऑप्शन होगा आईसू सेलिसल दो साइड इक्वल है ये दोनों ए बी इक्वल टू क्या है बीसी के नॉट इक्वल टू सी ए कोई डाउट इसमें करिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार समझिए समझ के उतारिए कुछ नहीं था सिर्फ डिस्टेंस निकालना है हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ट्राइंगल बता देना बढ़ा जाए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन दिया है इस बार क्या दे दिया उसने पूछ पॉइंट तो तो अभी तो सेम वही डिस्टेंस डिस्टेंस वाली ट्रिक लगाएंगे कि निकालना है इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको पहले जब I के यहाँ पे मैंने पॉइंट मान ली है एक्स वाई ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल के ये कॉर्डिनेट दिए ए बी सी और मुझे कहा है इन सेंटर के निर्देशांक बताने हैं ठीक है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले जब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने अतः के, के कोऑर्डिनेट जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी थोड़ा सा ये देखिए अभी फॉर्मूला दोबारा से ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी ये ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी B के सामने वाली साइड बी हो जाएगी सी के सामने वाली साइड सी हो जाएगी ठीक है तो ए बी सी क्या हो गया हमारे डिस्टेंस होंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मो से निकालेंगे ये पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने और फिर वहां से आई के पॉइंट निकालने सेंट्रोइड भी पूछ सकता था आपसे से। सेंट्रोइड पूछता सेंट्रोइड का मैंने पहली क्लास में बता रहा था आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और वाई के क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी पते भी अब देखिए सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाला मैंने ये मुझे दे रखा था तो मैंने एबी का डिस्टेंस निकाला है ए एबी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो जीरो में से जीरो गया जीरो आएगा और फाइव में से वन गया फोर तो सबसे पहले तो जीरो में से जीरो गया प्लस फाइव में से वन गया फोर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर ही आ जाएगा ये तो मुझे पता चल गई लेंथ कितनी आ गई फोर क्लियर अब आ जाते हैं बीसी पर बीसी कैसे निकालोगे आप बीसी पे आए तो थ्री माइनस जीरो वन माइनस फाइव थ्री माइनस जीरो प्लस वन माइनस फाइव तो ये तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा पांच का स्क्वायर ट्रिपलेट बनाएगा और जो उन बच्चों को नहीं आता वो कैसे सॉल्व करोगे आगे थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होगा थ्री का स्क्वायर नाइन होगा सोलह उन पच्चीस पच्चीस का स्क्वायर रूट क्या होगा फाइव मैंने डायरेक्ट लिखा है कोशिश करिए पेपर में आप लोगों ने भी इसी तरीके से लिखना है अब आगे बढ़े ए की वैल्यू निकालनी है तो थ्री माइनस जीरो वन माइनस वन जीरो कितना आ गया थ्री माइनस जीरो प्लस वन माइनस वन जीरो तो मुझे पता है ये थ्री का स्क्वायर आ गया प्लस जीरो का स्क्वायर तो भाई थ्री वैल्यू कितनी आ गई थ्री एक फाइव आ गई एक फोर आ गई थ्री फोर फाइव क्या होता है ट्रिपलेट अगर ट्रेंगल की बात पूछता ट्रैगल कैसा है तो ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रेंगल <coughs> ये हो गया हमारे पास कितना <coughs> ये थ्री हो गया ये फाइव हो गया बी सी देखिए राइट एंगल कहाँ बनता है हाइपोटन के सामने अगर वो पूछता कौन सा वर्ट एक्स हमारा राइट एंगल बनाता है तो हमारा आंसर क्या होता एंगल ए एक तीन हो गई चार हो गई पांच हो गई देखिए तीन चार पांच मैंने आपको बताया था ये पाइथा ट्रिपलेट होते हैं

पहले तो डिस्टेंस पूछ लिया अब उसके बाद क्या पूछे निर्देशांक पूछ लिए एंगल ट्राइंगल ही पूछ सकता था तो मैंने सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकाली ए ए कितना है पांच एक्स वन कितना है वन। प्लस बी कितना है तीन <coughs> एक्स टू तो कितना है फाइव प्लस सी कितना है चार और ये कितना है वन ए प्लस बी प्लस सी तीन प्लस चार प्लस पांच तो ये कितना आ जाएगा पांच एकम पांच पांच दिया पंद्रह चार एकम चार पांच चार नौ और पंद्रह चौबीस पांच चार नौ तीन बारह चौबीस बटे बारह को काटोगे कितना आ गया दो तो एक्स की वैल्यू तो दो आ गई कौन से ऑप्शन में दे है एक तो इसमें है और एक इसमें है ये दोनों ऑप्शन तो हो गए रिजेक्ट अब वाई की निकालनी पड़ेगी भाई वाई की अब जब आप निकालोगे तो वही सेम तरीका ए की वैल्यू रखी मैंने पांच वाई वन कितना है जीरो जीरो से मल्टीप्लाई कर दी पांच इंटू में जीरो प्लस थ्री इंटू में बी की वैल्यू तीन है तो इसका वाई कितना है थ्री तो मैंने थ्री लिख दिया तो कितना हो जाएगा फाइव थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ए प्लस बी प्लस सी देखिये ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए कोऑर्डिनेट निकालने के तो ये कितना हो जाएगा चार ती या बारह बारह बटे बारह कितना काटोगे कितना आ गया एक तो मुझे पता चला एक कोऑर्डिनेट दो है एक एक है कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बताइए देखिए कोऑर्डिनेट <coughs> जीमैक्ट्री कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे इन सेंटर के मैंने बता दिया है कि इन सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे चलिए नेक्स्ट देखें क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करना है सारे क्वेश्चन हो जाए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय थ्री दो लाइन के दो लाइन के बीच का एंगल दिया पाई बाय स्लोप ऑफ वन लाइन देन द स्लोप ऑफ अदर लाइन देखिए इसका एक फार्मूला होता है स्लोप जैसे ये लाइन दे रखी दो इसका बीच का थीटा है ये एम वन मान लिया ये एम टू मान लिया स्लोप जो इनका दे रखा है <coughs> थीटा दे रखा है पाई बाय फोर तो जब भी ऐसा स्लोप वाला आ जाए क्वेश्चन तो हमें क्या करना है टेंट इसका फॉर्मूला होता है टेंट थीटा इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम एम वन में टू देखिये भाई टेन थीटा पाई बाय फोर दे रखा है पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होगी फोर्टी फाइव डिग्री पाई की वैल्यू क्या रखते हैं 180, 180 कितना कर, आ जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर एम टू परपेंड दूसरी रेखा की प्रवीणता ज्ञात करें एम टू हमें निकालना है एम वन दे रखा है तो मुझे पता है एम टू की वैल्यू दे रखी है और ये कितना है प्लस वन बाय टू इन टू में एम टू जब आप इसे सॉल्व करोगे मुझे पता है नीचे टू से टू कट जाएगा तो डेनोमीटर के डेनोमीटर कट जाएगा सिर्फ न्यूमीटर सॉल्व करना है ये आ जाएगा टू एम टू माइनस वन अपॉन में टू प्लस एम टू बताइए भाई जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन तो वन की जब मैंने इधर मल्टीप्लाई की ये हो गया टू प्लस एम टू इक्वल टू टू एम टू माइनस वन भाई एम टू को एक तरफ लीजें ये इधर चला गया ये इधर आ जा जाएगा तो ये जाएगा तो एम टू की वैल्यू आ गई टू प्लस वन कितना थ्री देखिए एक तो ये हो गया बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है ये लगाया जाता है एक ऑप्शन और दे रखा है मोर देन वन तो यहाँ पे जब आप वैल्यू बनाओगे जब आप यहाँ पे बनाओगे दूसरा स्लोप यानी इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिए एम और M two. क्या पता आंसर उससे भी आ जाए तो मैंने इसे इंटरचेंज किया एम वन को जो हमारी पहली रे, एक रेखा एक रेखा रे दी है दूसरी पूछी है तो इसे दूसरी मान लीजिए दूसरी मान के देख लेते हैं देखिए कई बार टेंट थीटा कितना है वन इसे मैंने मान लिया इस बार एम टू वन बाई टू और एम वन वन प्लस वन बाई टू इन टू में एम वन देखिए इस बार मैंने वैल्यू को क्या किया चेंज कर दिया सॉल्व करके देखिए क्या आता है तो मुझे पता है सोल्व मतलब किया वन माइनस के टू एम वन अपॉन में टू प्लस एम वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस के टू एम वन तो माइनस टू एम इधर ले गए थ्री एम वन हो गया और इसे अगर ले जाओगे तो ये हो गया माइनस वन तो एम वन की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन थ्री तो दोनों ही हमारे क्या हो सकते हैं ये भाई कितना आ रहा है माइनस वन थ्री अब देखिए दोनों ही हमारे क्या हैं दूसरी प्रवणता इसने यहाँ पर प्रवणता दे रखा है तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस लाइन को एम वन मानता हूं अगर मैं इसे एम वन मानता हूं तो एम टू कितना आएगा थ्री ठीक है अगर मैं इसे एम टू मानता हूं तो, क्या -1 by 3. तो हमारा एक ऑप्शन दे रखा कौन सा ऑप्शन होगा डी लास्ट ईयर एग्जाम है दस या पंद्रह दिन बाद एग्जाम है टीचिंग का एक बिहार का जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाखों की बच्चों ने भर रखा है तो कोऑर्डिनेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने ले रखे उन लोगों के लिए तो बढ़ा जाए आगे देखिए एक दो क्वेश्चन हो जाएगा वो भी कर लेते हैं जल्दी से तो ये क्लियर है आपका तो इस तरीके से भी आपने चेक करना है कई बार भाई डिफरेंट दे देता दे है चलिए भाई देखिए थ्री पॉइंट्स दिए एच जीरो ए बी और जीरो के लाई ऑन अ लाइन एक लाइन पर लाई कर रहे हैं यानी कॉलिनियर हैं कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं जैसे तीन पॉइंट एक लाइन पर एक पॉइंट है एच जीरो एक पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट है जीरो के क्लियर भाई देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज उसमें ये वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बढ़ानी होगी मुझे तो ए एच और बी के ए एच और बी के तो मैं सबसे पहले कॉलिनियर में स्लोप बराबर होगा पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और इन दोनों को ले लेता हूं स्लोप मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता स्लोप का वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इन सबका स्लोप क्या होगा बराबर होगा तो मैंने यहां पे रखा b में से जीरो गया, Y2 Y1. पहले इन दोनों को कंपेयर किया मैंने स्लोप निकाला इन दोनों का तो b माइनस जीरो ए माइनस एच फिर इन दोनों का स्लोप निकाला k माइनस जीरो और जीरो माइनस एच जब आप इसे सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ गई बी अपॉन में ए माइनस एच ये कितना आ जाएगा या आप चाहो तो इन दोनों का भी कर सकते हो इन दोनों का जब मैं करूंगा के माइनस बी और यहाँ पे क्या होगा जीरो माइनस ए तो कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए मैंने इन दोनों को लिया यानी ए बी बी सी और सी ए का स्लोप निकाल लिया मैंने <coughs> तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा क्योंकि ये इजी है आगे दो वेरिएबल बनने हैं के अपॉन में माइनस एच जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं क्या करूं इजी सा बनाने के लिए के मेरा कहााना चाहिए नीचे के कहााना चाहिए नीचे तो के को नीचे ले जाने के लिए इधर ले आता हूं मैं। और ए माइनस एच को यहां। तो ये बी अपॉन के ए माइनस एच अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी के को इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए माइनस एच को ऊपर ले गया जब आप इसे सॉल्व करोगे देखिए के मुझे चाहिए था नीचे के कहा था नीचे तो के को नीचे लेके आने के लिए मैंने क्या किया होनी चाहिए वैल्यू तो इसे इधर ले गए इसे इधर ले आए तो वन इधर आ जाएगा माइनस वन का इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन ए अपॉन एच ये माइनस बी अपॉन के उधर गया तो प्लस बी अपॉन के यही तो पूछा था क्वेश्चन में देखिए स्लोप से ही ये क्वेश्चन बनेगी यानी जब भी क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका कोई ना कोई फार्मूला होगा जहाँ पुट करके आपका आंसर आएगा तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू कितना है वन तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन वन बधे भाई बढ़ा जाएगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है जीरो ए बी तीन वर्टेक्स दे रखे हैं फोर्थ वर्टेक्स हमें निकालना है आयत के चौथे शीर्ष निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आयत रेक्टेंगल बनाते हैं टू मैंने पढ़ाया भी था आपको ये हमारा क्या होगा रेक्टेंगल एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है ये, लेंथ हो ये हो लेंथ बड़ी होगी ब्र छोटी होगी इसके तीन बिंदु हैं एक ओ बिंदु है ये जीरो जीरो है और एक ए बिंदु है ये कितना है टू जीरो और एक कौन सा बिंदु बी ये ले लिया जीरो सी बिंदु चौथा वर्टेक्स मुझे निकालना है मैंने मान लिया एक्स वाई तो देखिए सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है चौथा वर्टेक्स कैसे निकालें तो जब इसके रेक्टेंगल की बात हो या रोमबस की बात हो तब तो मैंने इसके डायगनल खींच देना डायगनल हमेशा कहा काटेंगे मिड पॉइंट पर डायगनल हमेशा कहाँ काटेंगे मिड पॉइंट पर तो मिड पॉइंट पर काटेंगे तो अंदर वाले वर्टेक्स को मैंने मान लिया इसे डी इसे डी मान लिया इसे मान लिया एक्स वन वाई वन ठीक है तो एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं बी बी ओ से निकाली लाइन बी ओ पे गए हम लाइन किस पर गए बीओपी तो यहां से हम क्या करेंगे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे एक्स वन वाई वन तो एक्स वन की वैल्यू आ गई जीरो प्लस जीरो अपॉन टू कितना आ गया जीरो ऐसी जब वाई वन की निकाली मैंने जीरो प्लस थ्री अपॉन टू जीरो प्लस थ्री अपॉन टू तो कितना आ गया थ्री अपॉइन टू क्लियर एक्स वाई के पॉइंट आ गए एक्स वन वाई वन के ये आपके पॉइंट आ गए एक्स वन वाई वन के ये आ गई एक्स वन की वैल्यू ये आ गई वाई वन की वैल्यू मैंने डाइगनल का मिड पॉइंट क्या माना है डी अब देखिए ये सोल्व होगी लाइन बीओ अब कौन सी लाइन लेंगे अब मैंने ली लाइन लाइन की बात होगी तो, तो मेरे पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स अपॉन में टू और वाई वन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जीरो प्लस वाई अपॉन में टू क्लियर भाई अब एक्स वन वाई वन अभी आपने निकाल रखा है एक्स वन कितना है जीरो जीरो बराबर टू प्लस एक्स अपॉन में टू टू की कर दी, एक्स प्लस टू कट टू 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 तो गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई थ्री तो मुझे पता चला जो पॉइंट है जो मेरे चौथे वर्टेक्स के पॉइंट है सी के मैंने एक्स वाई माने थे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू कोमा थ्री ये हमारे चौथे वर्टेक्स आ गए देखिए कौन सा ऑप्शन है या तो इधर टाइपिंग मिस्टेक होगी टू आना चाहिए था नहीं नहीं है है तो तो कोई नहीं, हमारे पास एक एक ऑप्शन ऑप्शन कौन सा ई e ऑफ तो एग्जाम में देखिए इसी तरीके के ऑप्शन मिलते हैं ए बी सी डी में मोर देन वन और ई e में रन ऑफ दीस तो हमारा आंसर क्या होगा ई रन ऑफ दीस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट भी आपका फिनिश करेंगे देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन भाई इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना जिन बच्चों का मतलब टीचिंग एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए तो कोऑर्डिनेट से आपके पांच या छह सवाल रहते हैं तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिए इस प्ले लिस्ट यदि डी एफ मध्य बिंदु है किसके एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बी सी ए सी ए और एबी के मध्य बिंदु है एबीसी का एक केंद्रक के निर्देशक निकालने जैसे सपोज कीजिए बी सी ये ट्राइंगल है इसके बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है डी सी ए का मध्य बिंदु ई e. और ये आपका एफ ये दे रखे आपको देखिए अच्छा क्वेश्चन है बहुत प्यारा नाइन टेंथ में आया रखा है टीजीटी वाले में तो इसे तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट हमें नहीं पता एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कोई भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री अब देखिए इसके मिड पॉइंट की वैल्यू दी है डी का कितना है वन कोमा टू का कितना है फोर कोमा माइनस थ्री सी का कितना है माइनस टू कोमाइनस टू कोमा फोर यह दिए आपको मिड <coughs> पॉइंट का फॉर्मूला बताया था एक्स वन प्लस एक्स टू पॉइंट टू तो इन सब में मिड पॉइंट का फॉर्मूला जाएगा थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन अगर समझ में आ गया तो ईजी है तो सबसे पहले तो ए बी का मिड पॉइंट निकाला लाइन हम गए किस पे ए बी पर तो देखिए करना क्या था एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू कितना दे रखा है ये -2 के और ऐसी हमें वाई टू कितना अपॉन टू किसके बराबर है चार के तो मेरे पास यहां से बन गई क्वेश्चन एक्स वन प्लस एक्स टू टू की दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दो चार तो वाई वन प्लस वाई टू चार दूनी आठ ये आ गया वन नंबर ठीक है इक्वेशन नंबर दे दी हमने वन एक्स वन एक्स टू आ गया वाई वन प्लस वाई टू आ गया अब देखिए इसे देखते हैं आगे क्या दिया है बी सी बी सी की बात करें एक्स टू प्लस वाई थ्री एक्स थ्री डायरेक्ट लिख दे ये वन है टू की इधर मल्टीप्लाई होगी आ गया टू क्लियर ऐसी मैंने वाई टू प्लस वाई थ्री पे गए वाई टू प्लस वाई थ्री डायरेक्ट दिया टू की मल्टीप्लाई करिए मुझे पता है नीचे टू है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए जा टू टू जा तो टाइम बचाना ना इसे नाम क्वेश्चन दिया सेकंड क्लियर भाई कंसेप्ट इसे दे दिया, सी है। अब यहां पे एक्स थ्री प्लस एक्स वन इक्वल टू अब नीचे टू आता इधर फोर दे रखा फोर टू जाट क्लियर भाई और इधर वाई थ्री प्लस वाई वन आ गया इक्वल टू माइनस थ्री है माइनस थ्री की टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स ये इक्वेशन आगे तीन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तीनों इक्वेशनों को जोड़ूंगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आ जाएगा मेरे पास कितना दो दो बार आएगा ये ये दो दो बार आएगा तो टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कितना हो गया भाई जब मैंने इन तीनों को जोड़ा आठ चार बारह आठ में से चार गया चार चार दो छ तो दो को इधर डिवाइड करूंगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये आ गया मेरे पास कितना छः बटे दो कितना तीन एक तो ये बन के आ गए तीनों तीनों का सम आया ध्यान रखना आपने कई बार बच्चा जल्दबाजी में गलती करके आता है ऐसी मैंने इन तीनों को जोड़ा मुझे पता है 2 आएगा दो बार तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा 2 से डिवाइड कर देना डायरेक्ट जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करिए है। वरना मैं लिख तो के बता देता हूं y1 y2 y3 इक्वल टू 8 में से 6 गया 2 4 6 तो ये आ गया y1 y2 y3 कितना आ जाएगा 6 2 3 ये आ गया इधर तीनों का सम ये उधर तीनों का सम पूछा क्या था तो क्वेश्चन में केंद्रक पूछा है केंद्रक मतलब निर्देशांक केंद्रक मतलब होता है भाई जी सेंट्रोइड सेंट्रोइड का फार्मूला देखिए इतनी मेहनत करने के बाद सेंट्रोइड का पूछा गया ए बी सी जब भी इस फॉर्म में होता है मैंने आपको बताया था एक्स निकालना है तो क्या होगा x1 plus x2 plus x3 अपॉन में 3 और y का जब निकालना है तो क्या होता है y1 plus y2 plus y3 अपॉन में 3 ये होता है सेंट्रोइड निकालने का वहां तो मुझे कोऑर्डिनेट दिए थे यहाँ क्या किया उसने मिड पॉइंट दे दिया मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाले कोऑर्डिनेट के बाद वैल्यू पुट करूंगा मैं <coughs> सम दे ही रखा है मुझे तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन थ्री कितना वन ऐसी वाई की वैल्यू कितनी है थ्री थ्री अपॉन कर दिया कितना आ गया वन ये भी वन ये भी वन तो कौन सा ऑप्शन होगा बी बताइए भाई देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने जब एग्जामिनर टफ बनाएगा नाइन टेंथ में दो चार क्वेश्चन टफ देता ना तो कोर्डिनेट की टफ लगते हैं बच्चों को क्यों लगते हैं क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होता है तो आज की क्लास को हम मेन फिनिश करते हैं आप लोग जिन बच्चों की भाई नहीं देख पाए एक बार दोबारा से प्ले करिए वीडियो को और आपको देखिएगा लास्ट ईयर के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं सारे डाल रखे मैंने तो इस लोग के सबसे ज्यादा आते हैं वो मैंने डाल ही दिए इंटरसेप्ट का करा दिया ये करा दिया मिड पॉइंट वाला सेंट्रॉइड इन सेंटर करा दिया है और